सो हेलो रिवन एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ है से अभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला स्टैटिक जी के का ये दूसरा टॉपिक रहेगा बिकॉज हम लोगों ने क्लासिकल डांस पहला टॉपिक किया था और यहाँ से अब हमारा एक तरह से ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जी के गुड इवनिंग सभी को आ, अंकित अवनीश सुताक्षी शिल्पी दिनेश भक्त भोले का चलो भाई सभी को गुड इवनिंग वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर है ना एक बार कंफर्म कर दो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी और आज का एक सेकंड। <laughs> चलो तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिकल डांस लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले इंडियन डांस फॉर्म्स देखते हैं कि भाई जो इंडियन डांस फॉर्म है एक्चुअल में ये दो टाइप्स की होती हैं दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं भारत में जो डांसेस को परफॉर्म किया जाता है उनको जो इंडियन डांसेस हैं उनको एक को हम बोल सकते हैं क्लासिकल डांस जिसको कि सांस्कृतिक तो नृत्य बोलते हैं ठीक है क्लासिकल डांस और एक होते हैं हमारे फोक डांस क्लासिकल डांस एंड फोक डांस ये दो तरह की हमारी डांस फॉर्म है अब सबसे पहले इनके बीच में हम डिफरेंस समझेंगे कि जो हमारे दो तरह की डांस फॉर्म होती हैं एक डांस फॉर्म्स शायद तो शास्त्रीय नृत्य हमारे दैट इज़ क्लासिकल डांस और दूसरे हमारे फोक डांस कि इनमें मेनली डिफरेंस क्या होता है तो ऐसा आपके एग्ज़ाम में कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चन नहीं आने वाला कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है बस बट बेसिक आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है तो क्लासिकल डांस जो होता है आपने कभी इस तरह के डांस देखे? ये तो आपने देखा होगा ये वाला पक्का देखा होगा ठीक है ये तरह के जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डांस फॉर्म्स या ये क्लासिकल डांस को यहाँ पे रूपांतरित किया गया है मतलब मेरा कहने का ये है कि क्लासिकल डांस में एक सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं ठीक है सर्टेन स्टेप्स में और इसको भाई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे नहीं डी जे में नाच लिए वो ऐसे समझ लो फोक डांस हो गया जो डी जे में नाच लिए क्लासिकल डांस को सीखने के लिए कम से कम मतलब आप ऐसे समझ लो सालों लगते हैं अगर आपको एकदम प्रो बनना है तो कम से कम पंद्रह साल का टाइम तो मांगता है ठीक है ये होते हैं क्लासिकल डांस फोक डांस क्या होता है मतलब ये सर्टन स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें कोई इस तरह के कोई सर्टन स्टेप ऐसा नहीं है कि इसको परफॉर्म जैसे मान लो कि कोई भी मान लो तुमने बिहू हो गया एक फोक डांस है ठीक है बिहू एक फोक डांस है मान लेते हैं कलबेली एक फोक डांस है तो क्या इन दोनों को मतलब क्या जैसे भी परफॉर्म कर दो नहीं उनके भी होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप उन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो वो डांस आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो जैसे कि क्लासिकल डांस के आप एक्सपोनेंट पढ़ोगे फेमस फेमस फोक डांस के बहुत ही कम आप इस तरह से एक्सपोनेंट आपको याद करने रहे हाँ कुछ हैं जैसे कि पंडावनी में आप पीजन बाई को पढ़ लोगे छत्तीसगढ़ से ठीक है गुलाबो सपेरा को पढ़ लोगे कलबेलिया में लेकिन बहुत ही कम है वो कम मात्रा में क्लासिकल डांस में हर एक डांस में भी हम देखेंगे विध ट्रिक देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपोनेंट हैं क्योंकि उसको परफॉर्म करने के लिए उसको सीखना पड़ता है बहुत लंबे समय तक एंड तभी आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है फोक डांस तो ऐसे ही आप परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज फोक डांसेस को हम सेलिब्रेशन के तौर पर परफॉर्म करते हैं इसको सेलिब्रेशन किस चीज़ का भाई कुछ भी बच्चे का जन्म हुआ है ठीक है मुंडन हो रहा है ठीक है त्यौहार है कोई जैसे या फिर हार्वेस्टिंग सीजन हो गया है ना फसल की कटाई तो उसके उन पर्टिकुलर इवेंट्स पे परफॉर्म किए जाते हैं फोक डांस क्लासिकल डांस का ऐसा सच कोई सेलिब्रेशन से लेना लेना देना नहीं है ठीक है और इनको ऐस पहले टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था मेनली ठीक है टेम्पल्स में फिर ये बाद में कोर्ट्स में जो हमारे कोर्ट्स यानी कि जो राजा महाराजा थे उनके कोर्ट्स में गए फिर अभी भी ये टेम्पल्स में अभी फिर से ये मतलब जो थिएटर्स में है वहाँ पर गए तो क्लासिकल डांस जो है ये किसी सेलिब्रेशन को उसको दिखाने के लिए नहीं होते हैं कि भाई आज हार्वेस्टिंग सीजन है तो उसको उसको सेलिब्रेट करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं मुंडन हो रहा है फिर कहीं कहीं पर तो डेथ पर भी फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं तो दो मेन आपको डिफरेंस याद रखने के भाई क्लासिकल डांस में सर्टन स्टेप्स होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए बट फोक डांस में इस तरह के कोई स्टेप्स नहीं होते हैं इनको यूजुअली टेंपल्स पे परफॉर्म किया था बाकी इनको अगर हम बात करें तो जो कोई भी इस तरह का इवेंट होता है लाइफ में उसको सेलिब्रेट करने के लिए फोक डांस को परफॉर्म किया जाता है अब फोक डांस अनंत है आपके अनंत हैं अनंत से मतलब है कि कोई सीमा नहीं है एक एक राज्य में तुमको दस दस फोक डांस कम से कम देखने को मिलेंगे क्लासिकल डांस बहुत लिमिटेड हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिकल डांस है यानी कि शास्त्रीय नृत्य है अब क्लासिकल डांस सबसे पहली बात कितने हैं तो क्लासिकल डांस ध्यान रखिएगा आठ हैं कितने क्लासिकल डांस है टोटल एट क्लासिकल डांसेस आर देयर अब कहीं कहीं पे हो सकता है आपको नौ देखने को मिले लेकिन वो कैसे भी मैं बताता हूँ तो आठ इस हिसाब से हैं विच आर रिकोगगनाइज बाई दी संगीत नाटक अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी का जरा बताओ साउथ में पहला सेंटर करेंट अफेयर्स में पढ़े थे इसका संगीत नाटक एकेडमी ने अपना साउथ में पहला रीजनल सेंटर कहाँ पे खोला जरा कमेंट में बताइए ऑप्शन देता हूँ हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तीन ऑप्शन हैं आपके लिए और नौ है ये इसको नौ को मैं इस तरह से लिखता हूँ आठ प्लस एक आठ प्लस छ लिख देता हूँ दिमाग में आएगा ना ये नौवा कौन सा आ गया अभी आठ तो पढ़ेंगे हम एक एक करके लेकिन ये जो नवा जिसमें एक्स्ट्रा है वो छऊ है जो की रेकग्नाइज इट इज रिक्नाइज बाई दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रेकग्नाइज कर रखे हैं वो नौ है और जो आपके संगीत नाटक अकेडमी और वॉइस आई थिंक प्रॉपर आ रही होगी ठीक है और जो संगीत नाटक अकेडमी ने जो रिकोगनाइज़ज़ कर रखे हैं वो आठ हैं तो आपको याद कितने रखने आठ की नौ आठ सर दोनों ऑप्शन में आ गए तो तो वो पक्का लिख के देगा एज़ रिकॉग्नाइज्ड बाई संगीत नाटक अकेडमी और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यूज़ुअली वो संगीत नाटक अकेडमी का ही पूछता है बहुत ही रेयर चांस है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी पूछे बट हमें पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पे ऐसे अभी मैंने कोई इस तरह की चीज़ नहीं बताई है जो मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं ठीक है और एक चीज़ कि भाई जो लोग भी सी वाले हैं या फिर एस एस जेई वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट वाले हैं सी वाले हैं तो कल पॉलिटी की वन शॉट हम लोग करने वाले हैं थ्रू हंड्रेड क्वेश्चनस अब हम एक एक करके क्लासिकल डांस पढ़ने जा रहे हैं बट बिफोर दैट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जो क्लासिकल डांस है इसके बारे में पता कहाँ से चलता है तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं लिटरेरी यानी कि साहित्यिक जो स्रोत हैं उसके उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए तो दो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी एविडेंसेज और उसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र इसको कंपोज किया गया था बाई भरत मुनि और क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट लिटरेचर है जिससे हमें अपने सारे क्लासिकल डांसेस के बारे में मालूम पड़ता है पता चलता है इसीलिए इसको हम फिफ्थ वेद पांचवें वेद के रूप में भी जानते हैं या फिर बोल देते हैं बिकॉज हमने हिस्ट्री में पढ़ाया था ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद हमारे चार वेद होते हैं और उसमें से हम पांचवा वेद इसको बोल देते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए ऐसे ही एक और टेक्स्ट है लिटरेरी एविडेंस हमें बताते हैं दैट इज अभिनय दर्पण ठीक है अभिनय दर्पण और ये जो अभिनय दर्पण है ये हमें अभिनय अब अभिनय क्या चीज़ होती है अभिनय का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशंस फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है अभिनय ठीक है तो इसमें कई सारी मुद्राओं को दिखाया जाता है जो इस पर्टिकुलर अभिनय दर्पण से शो केस किया जाता है जिसको कि नंदी केश्वरम ठीक है नंदी केश्वरम जी जो हैं उन्होंने इसको कंपोज किया था सिर्फ दो ही लिटरीट सोर्सेज नहीं है जिनके बारे में हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है और भी हैं लेकिन उनमें सिर्फ पर्टिकुलर पता चला कुचिपुडी के बारे में पता चल रहा है सिर्फ उसमें पता चला सिर्फ जैसे व्यवहार माला है तो उसमें सिर्फ मोहिनीअट्टम के बारे में पता चल रहा है नाट्यशास्त्र में सबके बारे में पता चलता है इसलिए इंपॉर्टेंट है और वैसे ये थोड़ा आपका अभिनय दर्पण भी तो नाट्यशास्त्र ही भूलना है एंड अभिनय दर्पण की किसने लिखा है क्लियर इतनी चीज़ कि अभिनय दर्पण में हम अभिनय यानी फेशियल एक्सप्रेशन एक तरह से दिखाते हैं दो चीज़ें होती हैं एक अभिनय होता, होता है और एक साहित्य होता है साहित्य में हम वर्ड्स को जैसे कि आपने आ, अगर कभी क्लासिकल डांस देखा हो मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी क्लासिकल डांस सारे के क्लासिकल डांस देखेंगे भी यहाँ पे मैंने क्लिप्स भी लगा रखी हैं भले कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा लेकिन आने देंगे उसको लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से उनको परफॉर्म किया था तो उनको मतलब किसी पर्टिकुलर म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है और वो वर्ड्स को भी कई बार दिखाते हैं तो जब वो वर्ड्स या फिर सिंबल को दिखाने का प्रयास करते हैं तो उसको हम साहित्य बोलते हैं सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन हैं तो उसको हम अभिनय का नाम देते हैं ठीक जहाँ पे एक्सप्रेशन पे मेन फोकस रहता है अब आते हैं अपने पहले क्लासिकल डांस पहले शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है भरतनाट्यम ये जरा आप कॉमेंट बताएंगे कि किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है तब तक मैं आपको इसके थोड़े से बैकग्राउंड इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ अब एक्चुअल में भरत नाट्यम की अगर बात करें तो ये भरत और नाट्यम संधि विक्षेद अगर इसका नाट्यम का तो मतलब सभी को भाई पता होगा नाट्यम का मतलब होता है एक तरह से नृत्य नृत्य अब देखो दो चीज़ें होती हैं इस पर भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है ध्यान से इसको समझना एक तो होता है आपका नृत्य और एक होता है आपका नृत्य ठीक है एक तो होता है नृत्य और एक होता है नृत्य समझ रहे आप यहाँ पे आर में लगाना भूल गया नृत्य और नृत्य ये दोनों अलग अलग होते हैं नृत्य में क्या होता है प्योर डांस होता है इसमें किसी भी तरह का फेशियल एक्सप्रेशन फेस में एक्सप्रेशन नहीं बस नाचे जा रहे हैं नाचे जा रहे हैं विद स्माइल मतलब छोटी सी स्माइल के साथ नाचे जा रहे हैं नृत्य में क्या है डांस भी रहता है एक तरह से हम बोल सकते हैं प्योर डांस भी रहता है प्लस इसमें आपके फेशियल्स एक्सप्रेशन जिसको हम भाव भी बोल सकते हैं वो भी रहते हैं उसको भी फेस में एक्सप्रेस किया जाता है नृत्य के केस में कोई इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता है प्योर डांस होता है वो ठीक अब भरत जो है भरत इसमें ये भी तीन वर्ड से मिला है तो भाव हो गया हमारा राग हो गया भाव मतलब एक्सप्रेशन राग मतलब की जो आपका म्यूजिक है एंड आपका ताल ठीक है तो इनसे मिलकर बनाए खैर इन चीज़ों से मतलब उतना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं बट फिर भी थोड़ा सा आपको, मैंने आपको बता दिया मेन जो यहाँ पे सवाल बनता है वो एक्सपोनेंट से बनता है और कुछ और भी चीजें होती हैं जैसे भरतनाट्यम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्लासिकल डांस है तो वो यही भरतनाट्यम है जिससे कि एक्स्ट्रा एक्सपोनेंट तो सबके इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉमेसन है वो भरतनाट्यम से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इसीलिए इसमें को मैं आराम से आहिस्ते से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हुआ चलूंगा तो भरतनाट्यम का जो ओरिजन है अगर मैं बात करूँ कि इसका औरिजन कहाँ से होता है तो इसका ओरिजन देखने को मिलता है देवदासी से ये देवदासी कौन है देवों की दास मतलब कि जब ऐसा होता यूँ था कि आपको ये किस पर्टिकुलर स्टेट से तमिलनाडु से ठीक है सभी ने आई होप सही बताया होगा तो जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पे जब बच्चियों का जन्म होता था तो यूजुअली उनको टेम्पल्स को सौंप दिया जाता था जो टेम्पल हाउसेज होते थे एक पीले कलर का धागा पहनाया जाता था और उनको टेम्पल्स को सौंप दिया जाता था, था कि अब ये देवों के दास हैं यानी कि देवों की सेवा में ये समर्पित हैं अब पूरी तरह से वही जो है इस तरह के परफॉर्मेंस परफॉर्म किया करती थी देवदासीज़ इसीलिए इस पर्टिकुलर जो आपका भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है इसको दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं या फिर सादीर अट्टम सादीर अट्टम का मतलब होता है कि भाई ऑफ़र करना जैसे भगवान को क्या कर रही हैं ऑफ़र कर रही हैं तो अट्टम मतलब ऑफ़र करना सादीर अट्टम ऑफर करना ठीक है तो क्या ऑफर कर रही हैं अभी हम देखेंगे जो इसके डिफरेंट एलिमेंट है जैसे फूल अर्पित कर रही हैं और भी जो अपनी जो एक तरह से लव है उसको एक्सप्रेस कर रही हैं उसको गॉड को ऑफर कर रही हैं तो वो होता है सादीर अट्टम ठीक है तो अगर आपसे पूछेगा भाई सादीर या फिर सादिर अट्टम किसका पुराना नाम है तो आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम अभी अगर आई थिंक पद्मश्री भी अभी रिसेंटली दिया था श्री रामनाथ कोविंद जी ने हमारी सबसे आखिरी अभी देवदासी जो थी सबसे आखिरी देवदासी अभी तो देवदासी सिस्टम नहीं रहा लेकिन जो सबसे आखिरी जिन्होंने परफॉर्म मतलब करती थी टेम्पल में उनका नाम था श्रीमती मुतु कनमल ठीक है मुतु कन्नमल यहाँ पे मैं वाइट कलर से लिख देता हूँ ठीक है डबल एन ए एम ए एल ठीक है श्रीमती मुत्तू कनमल ये हमारी लास्ट देवदासी हैं जिन्होंने इस तरह से टेम्पल में परफॉर्मेंस दिया भरतनाट्यम का ऐसा नहीं कि भरतनाट्यम अब परफॉर्म नहीं होता लेकिन ये देवदासी का अगर हम टैग की बात करें तो ये लास्ट है ठीक नाट्यशास्त्र में मतलब इसके बारे में नाट्यशास्त्र में हमें अच्छे से पता चलता है तो ये मुझे अलग से लिखवाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ कि नाट्यशास्त्र जिसको कि हम फिफ्थ वे, वेद बोलते हैं जिसको भरत मुनि ने कंपोज किया बहुत इंपॉर्टेंट है और अभिनय दर्पण अभिनय दर्पण जिसको कि नंदी केशवरम ने जो है अभिनय दर्पण नंदी केशवरम ने लिखा था इस इसमें जो है हम इसके इससे हमें ये लिट्रेरी सोर्सेस हमें पता चलता है भरतनाट्यम के बारे में ठीक है अच्छा याद है तुम्हें तो एक मैंने तुम्हें मतलब मैं लिटरी सोर्स के बारे में बता रहा हूँ मैंने हिस्ट्री पढ़ाते वक्त तुम्हें बताया होगा एक सीला पड्डी करम याद है तुम्हें जब मैंने चेरा चोला पांड्या पढ़ाया था तो मैंने बताया था तीन संगम हुए थे तीसरा तीसरे संगम में दूसरा जो संगम था वहाँ पर एक तमिल टेक्स्ट कम्पोज हुआ था अगर आप बता सकें उसका नाम कॉमेंट में याद है आपको बताइए तब तक और एक मैंने और आपको बताया था सीला पड्डी करम सीला पड्डी करम और यहाँ पे मैंने एक लव स्टोरी बताई थी आपको किसकी मैंने आपको बताया था कि एक मा, एक क्या नाम था उसका कोवलन था ठीक है कोवलन था और उसकी वाइफ थी कन्नगी ठीक है कन्नगी मैंने बताया था कि भाई फिर एक देवदासी थी जिसका नाम क्या था जिसका नाम था क्या नाम था उसका माधवी ठीक है माधवी है ना तो ये जो है कोवलन क्या करता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है कोवलन करने की इसके प्यार में पड़ जाता है माधवी एक्चुअल में उसके पीछे का स्टोरी भरतनाट्यम से जुड़ा है कि ये जो है इनका परफॉर्मेंस देखने गए थे दोनों की चलो आज परफॉर्मेंस देख के आते हैं ठीक है और बेचारी उसका का ना करने की कोई भनक तक नहीं थी कि जो कोवलन है अब ये जो है हाथ से जाने वाला है तो कोवलन जो है वो डांस देखने के बाद माधवी के जो है प्यार में लगता है भाई प्यार में गिर गया है ना तो माधवी के उसमें चलाता है और ये डिसाइड करते हैं कि माधवी के साथ ही पूरा जीवन बताएंगे और कोवलन और माधवी की डॉटर होती है एक याद है मनी में कलई और ये भी एक टेक्स्ट है मनी में कलई जहाँ पे ये मनी में कलई जो इनकी डॉटर है वो परफॉर्म करती है एज अ देवदासी भरतनाट्यम को फिर बाद में कोवलन का फिर पता चलता है यार नहीं कन्नगी अच्छी थी तो वापस फिर से कन्नगी जाते हैं कोवलन कन्नगी के पास जाते हैं और कन्नगी बड़ा दिल रखते हुए कोवलन को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं इसीलिए कन्नगी को अभी भी केरल और तमिलनाडु वाले रीजन में एज अ गॉडेस ऑफ प्योरिटी और चैस्टिटी मतलब इनको पूजा जाता है तो पूजा उसी को जाता है जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, है कि नहीं तो सीलाप्डिक्रम की अगर बात करें तो हाँ तो वो टेक्स्ट था आपका तोलका पी तोलका पीएम देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही आंसर दिया है <laughs> हाँ कन्नगी गॉडेस बिल्कुल उनको गॉडेस के तौर पे वो पूजा जाता है है ना हाँ जी और ये पता है आपको ये अगर आप साउथ इंडिया के टेंपल्स हम लोगों ने पढ़े थे ना साउथ इंडिया के जब टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ा था तो ज़रा बताओ कि जो गेट uh, वे होता है जो हमें सिर्फ साउथ इंडिया के टेंपल में देखने को मिलता है जो एंट्रेंस होता है उसको क्या बोलते हैं एंट्रेंस देखो जहाँ पे गॉड रखे जाते हैं इस तरह से पढ़े थे हम लोगों ने जैसे टेंपल है तो जहाँ पे भगवान जी रखे जाते हैं उसको हम गर्भगृह बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं फिर इस तरह से मंडप होता है जिसको पिलर हॉल बोलते हैं और ये दोनों चीज़ नॉर्थ इंडिया में भी यानी कि आपका जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और आपका जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है साउथ इंडिया का दोनों में कॉमन मिलता है लेकिन गोपुरम जो एकदम वो बाहर हमें देखने को मिलता है वो साउथ इंडिया में तो जो गोपुरम है ना काफी सारे जो गोपुरम हैं चाहे वो ब्रियदेश्वर का भाई रवतेश्वर वहां पे आपको गोपुरम में इस भरतनाट्यम डांस देखने को मिलता है मतलब वहां पे एक तरह से वो मतलब पत्थर में उस तरह से दिखाया गया भरतनाट्यम को ठीक है अब हुआ क्या कि इसको टेम्पल में परफॉर्म तो किया जाता था, था बट ब्रिटिशर्स को ये सारी चीजें तो अच्छी लगती नहीं होंगी ऑब्वियस बात है तो इट वॉज बैंड बाई ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया कब 1910 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है सिस में एंड देन देन इसको जो है बाद में रिवाइव किया था एक हमारे थे रिवाइव्ड बाय ई कृष्ण अय्यर कृष्ण अय्यर जी ने जो बाद में इसको रिवाइव किया था अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाने जा रहा हूँ किसकी भरतनाट्यम की आप गौर से देखिएगा बिकॉज इसके बाद मैं एलिमेंट्स को डिस्कस करूँगा एलिमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम एलिमेंट्स में कि कहले पहले क्या होता है फिर क्या होता है इस तरह से ठीक है तो ये देखिए आप मुद्रा देखिएगा मुद्रा 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 ठीक है मुद्रा देखिएगा और इस तरह से लग रहा है जैसे कि एक फ्लेम जल रही हो ध्यान से देखिएगा फ्लेम मतलब फ़्लेम समझ रहे हैं ना आग की लॉ जल रही हो इस तरह से नहीं लग रहा आप देखिएगा पूरा शुरू से तो पाँच सेकंड बैक करिए ऐसा जैसे लॉ सी जल रही हो है ना आपने इस चीज़ को देखा होगा कि भाई किस तरह से लॉ को ये वो कर रही है मुद्रा देखिए पहले तो और लॉ को मतलब लॉ और ये एक्चुअल में जो मैं लॉ लॉ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारे जो पंच तत्व होते हैं उसमें से ये आग दैट इज़ फायर को दिखाते हैं देखो इस तरह से है ना ये एक तरह से फायर को सिंबलाइज करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारे जो पंच तत्व होते हैं नेचर के उसमें से फायर को ये सिंबलाइज कर रहा है अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सेवन और हाँ इसमें एक पॉस्चर होता है जिसको कि अराई मंडी के नाम से जानते हैं ठीक है अराई मंडी ये एक तरह का पॉस्चर होता है इसमें अब मैं आपको बताऊंगा सेवन इसमें एल सेवन प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं तकरीबन आई थिंक दस होते हैं लेकिन सेवन मिनिमम इसमें एलिमेंट्स होते हैं अब एलिमेंट्स मैं सब क्लासिकल डांस में पढ़ाऊंगा एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि इसके स्टेप्स होते हैं इसको करने के लिए कि पहले आएंगे तो जैसे पहले वो क्या करेंगे जो दासियाँ मतलब जो परफॉर्म करते हैं वो भगवान को अब ये तो तीन लोग परफॉर्म कर रहे हैं और जो अभी हम देखेंगे कि अगर एक ही बंदा या फिर बंदी परफॉर्म कर रहा है सारे सबक सारे स्टेप्स को तो उसको एक हार रे बोलते हैं एक हार रे एक ही आदमी सब परफॉर्म कर रहा तो इसमें सबसे पहले एक स्टेप होता है जहाँ भगवान को फूल समर्पित किए जाते हैं फिर उसमें नृत्य होता है मतलब सिर्फ प्योर डांस होता है अभी इसमें फेशियल एक्सप्रेशन है नहीं है सिर्फ एक स्माइल है कोई फेशियल ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं अब धीरे धीरे फेशियल एक्सप्रेशन आना स्टार्ट होंगे तो ये होते हैं आपके एलिमेंट्स जिसमें सबसे पहला आपका एलिमेंट होता है अला रिप्पू देन होता है जाति स्वरम जाति स्वरम देन होता है आपका शब्दम देन होता है आपका वर्णम देन होता है आपका ठीक है इसके बाद होगा आपका अले के बाद वर्णम के बाद पदम आएगा आपका ठीक है पदम आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ अगर कोई केरल तमिलनाडु साउथ इंडिया से होगा तो मुझे करेक्ट कर सकता है अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा तो ठीक है पदम और आपका एक होता है तिल्लाना ठीक है तिल्लाना और एक होता है आपका मंगलम तीन चार पांच हां ठीक है सात ठीक है मंगलम ये आपका लास्ट होता है इसमें बीच बीच में जैसे कि जैसे मैंने बताया दस होते हैं टोटल तो कीर्ति भी होता है जवाली भी होता है कीर्तन भी होता है लेकिन सेवन आपको बेस जो मेन एलिमेंट है बस वो याद रखने हैं कीर्ति हो गया कीर्तनम हो गया जवाली हो गया वो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है तो इसमें क्या होता है अलिपू में सबसे पहले तो एक फ्लावर मतलब चढ़ा अर्पित किए जाते हैं भगवान को नृत्य होता है इसमें फिर उसके बाद नृत्य होता है जाटी स्वरम में फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है वो सारे ये एलिमेंट्स में शो किया जाता है एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा पूरे क्लासिकल डांस में कि लास्य और तांडव इन दो एस्पेक्ट्स को दिखाया जाता है हर ज़्यादातर क्लासिकल डांस में लास्ट से जो है एक फेमेनाइन एस्पेक्ट को दिखाता है फेमेनाइन मतलब कि वेमेन नेचर को दिखाता है क्योंकि वेमेन का नेचर सॉफ्ट नेचर होता है वेमेन्स का तांडव तांडव कौन करते हैं आदमी लोग करते हैं ना तांडव तो इसमें जो इसको इसके मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है तांडव जिसको कि हमारे शिव जी से एसोसिएट किया जाता है और इसको हमारी पार्वती जी से एसोसिएट किया जाता है जितने भी क्लासिकल डांस है उसमें एक जो नेचर है वो डोमिनेंट होगा इसमें जो नेचर डोमिनेंट है भरतनाट्यम में वो शैवाइट नेचर का डांस इसको हम बोलते हैं बिकॉज शिव जी का तांडव इसमें डोमिनेट करता है भरतनाट्यम में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है और जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि अगर एक ही बंदा सारे परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको हम एक हार्य बोलते हैं तो एक हारे किससे एसोसिएटेड टाइम ने तुमसे पूछ लेगा तो भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है ठीक अब एक फाइनल चीज़ और उसके बाद हम इसके एक्सपोनेंट देखेंगे एंड दैट इज़ कि इसमें आपको डिफरेंट ये हमने स्टाइल्स देखे थे ना डिफरेंट इसमें आपको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से स्कूल्स हम बोल सकते हैं या फिर डिफरेंट सॉरी ये स्टाइल नहीं ये आपके एलिमेंट थे या फिर इनको हम डिफरेंट स्टेजेस बोलते हैं इस तरह से हमारे डिफरेंट स्टाइल होते हैं स्टाइल स्टाइल और एलिमेंट में क्या अंतर है देखो एलिमेंट होता है कि ये स्टेप्स हैं कि पहले अलारिप्पू करोगे देन जाटी स्वरम करोगे देन शब्दम करोगे देन वर्णम करोगे देन पदम टिल्लाना और मंगलम ये जो है कि तुम तुमने घराना सुना होगा शब्द घराना सुना है तुमने घराना कि घराना का मतलब ये होता है उसी से एसोसिएट करिए स्टाइल को कि भाई भरतनाट्यम को करने की अलग अलग स्टाइल्स हैं करना आपको इसी स्टेप से ही पड़ेगा लेकिन हो सकता है उसमें कोई एलिमेंट डोमिनेटिंग होगा कि भाई उसमें स्पीड ज़्यादा होगी किसी में फेसियल एक्सप्रेशन ज़्यादा होंगे तो इस हिसाब से डिफरेंट हमारी स्टाइल होती हैं जैसे कि पंडा नल्लूर स्टाइल होती है आपकी ठीक है वजूवूर स्टाइल होती है आपकी वजूवूर कलाक्षेत्र ठीक है कलाक्षेत्र क्षेस्त्र मेला टूर तंजौर ये एक्चुअल में जो रीजन्स हैं वहाँ पे तमिलनाडु में वहाँ इसके हिसाब से डेवलप है पंडा पंडा सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने पंडा नल्लूर होगा ठीक है पंडा नल्लूर तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं अब आते हैं इसके एक्सपोनेंट पे और एक्सपोनेंट की ट्रिक क्या है ट्रिक इस तरह से ट्रिक से हम इसको याद करेंगे बिकॉज ठीक है वो याद होंगे ही नहीं आपको सिर्फ यही तो पढ़ना नहीं है स्टार्ट यही कि क्लासिकल डांस ही बस पूछा जाएगा इसी में तो इसलिए ट्रिक का इस्तेमाल आप ज़रूर लीजिएगा बाकी आपकी मर्ज़ी है ठीक है क्योंकि इसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है तो अगर मैंने मेहनत से बनाया है तो उसका आप इसीलिए मैंने मेहनत की है सो so दैट आपको मेहनत ना करना पड़े ठीक और ये मैंने मेहनत बहुत पहले करी थी बहुत पहले से मतलब है कि काफ़ी पहले मैंने इनको सब की जो एक्सपोनेंट uh, मैंने सीजल जो मेन्स हुआ था तो उससे पहले ही या फिर हाँ सीजल मेन्स से पहले मैंने सारी ट्रिक्स डाल दी थी क्लासिकल डांसेस की सो so दैट आप आराम से शॉर्ट वाई शॉर्ट्स में ठीक है तो उनको देख लेते हैं तो भरत की अलारम बची और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मनी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया इसमें जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है इसमें से है आपका ट्रिक देखो भरत से है आपका भरतनाट्यम बनी भरतनाट्यम के एक्सप्रेंट देख रहे हैं अलार्म से अलार्मेल वैली क्वेश्चन ये पूछा अलार्मेल वैली में कि ये किस पर्टिकुलर स्टाइल से एसोसिएटेड है अभी देखिए तो पंडा नल्लूर कला क्षेत्र वजुवर मिल्ला टूर तंजौर तो उसमें से किस पर्टिकुलर स्टाइल से एसोसिएटेड है रुक्मणि देवी रुकमणि देवी से रुक्मणि देवी पद्म से पद्म सुब्रमण्यम सुंदर दोस्त मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई सारे भाइयों से मृनालिनी सारा भाई हु हुज़ दी फर्स्ट वेमेन टू बी नॉमिनेटेड टू दी राज्यसभा रिसेंटली अभी हमने करंट अफेयर में एक और वेमेन देखी थी जो नॉमिनेट हुए हैं विराज सभा में नाम बताइए उनका तो विक्रम सारा भाई की ये वाइफ है मल्लिका सारा भाई जो मृनालिनी सारा भाई की बेटी ही है मल्लिका सारा भाई बाल से बाल सरस्वती और कुछ नाम आप दो दो क्लासिकल डांस में पढ़ोगे जैसे मृनालिनी साल मृनालिनी सारा भाई जी हमारी भरतनाट्यम और कत्थक कली से एसोसिएटेड है मल्लिका जी भरतनाट्यम और कुचिपुडी से एसोसिएटेड है बाल से बाल सरस्वती यामिनी से कृष्ण से यामिनी कृष्णमूर्ति लीला से लीला सैमसन धन से शांता धनंजयन और उनके हस्बैंड वीपी पी धनंजयन और सो गया से सोनल मानसिंह अलारमेल वेल्ली की अगर बात करें तो ये वाजू वूर स्टाइल से एसोसिएटेड हैं वजू वूर स्टाइल से ठीक है क्लियर यहाँ तक ठीक है और ट्रिक में जब भी आप इसको रिवाइज़ करना तो ये आपके लिए पी डी एफ तो मिली जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में चैनल पे तो वहाँ पे इस तरह से कि भरत से भरत भरतनाट अलार्म से अलार्मेल वेली रुक्मणी देवर नले ठीक है पद्म सुब्रमण्यम सुंदर दोस्त से ठीक है सुंदरमिन सुंदरम पिन पिल्लई तो इस तरह से आपको वहाँ पे ख़ुद से याद करने के सारे भाई से मिलानी सारी मल्लिका सारा भाई ठीक है तो वो आपको इसी तरह से याद करने हैं रिकॉल करने हैं खुद से और एक चीज में और नोट करिएगा एंड दैट इज कि अगर कभी आपसे पूछ ले कि इसमें नट्टू वनार कौन लोग होते हैं ठीक है मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूं कि भाई इनमें नट्टू वनार कौन लोग होते हैं नट्टू वनार तो ये वो लोग होते हैं पर्सन हु कंडक्ट्स रिसाइटेशन रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है रिसाइटेशन का मतलब तुमने ऑर्केस्ट्रा में देखा है कभी एक बंदा मतलब इस छड़ी लिए हुए हाथ हिलाता रहता है अब मैं कर रहा हूँ उस चीज को तुम देखो मन की आंखें से देखो <laughs> ठीक है तो ऑर्केस्ट्रा में वो नहीं इस तरह से करता रहता है तुमको लगता है क्या कर रहा है भाई तू तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा बट एक्चुअल में वो सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है तो वही काम होता है भरतनाट्यम में नट्टू बनार को एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग फीचर है हमारा ये भरतना भरतनाट्यम ना, भरत में ठीक है क्लियर हो गया होगा आई थिंक इसी में सबसे ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन थी ठीक है तो चिंता मत करिएगा कि सब में इतनी होगी हाँ इसी कोई डाउट तो नहीं आ तक ओके 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 ठीक 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 सॉरी ये आपकी पंडा नलूर स्टाइल्स हैं ठीक है थीके? जो अलारमेल वैली हैं आपकी ये पंडा नल्लूर स्टाइल्स हैं बिल्कुल सही ठीक है पंडा नल्लूर स्टाइल्स हैं ये पंडा नलूर और वजूवर मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन होता है ठीक है अभी आ जाएँ कुडी में बताइए तो अभी हमने देखा था जब भरतनाट्यम के बारे में कि भरत नाटम संधि विक्षेद किया तो इसमें कोई संधि विक्षेद की जरूरत नहीं बट बिकॉज एक्चुअल में ये कोई आ, करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये गांव का नाम है एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आपकी आंध्र प्रदेश में ठीक है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है आपका तो वहाँ पे एक गाँव है कुचिपुडी करके आंध्र प्रदेश ठीक है वहीं पे आपका एक गांव है कुचीपुडी करके वहीं से ही इसका ओरिजिन होता है अब कैसे ओरिजिन होता है इसके पीछे भी स्टोरी है एक स्टोरी कुछ इस तरह से कि भाई एक्चुअल में होता क्या था ना कि यहाँ पे यक्षगान परफॉर्म किया जाता था, था पहले से ही तो यक्षगान कर्नाटका का एक फोक डांस है अब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका बॉर्डर में ही है आपको पता है तो यक्षगान यहाँ पे पहले परफॉर्म किया था कुछ का ओरिजिन यहाँ पे बाद में हुआ इस तरह से हुआ कि आपने आ, सत्य भामा का कृष्ण जी का तो नाम सबने सुना ही होगा सत्य भामा का नाम किसने सुना तो कृष्ण जी की जो तीसरी वाइफ थी काफी ब्यूटीफुल उनका नाम था सत्य भामा ठीक है अब ये माना जाता है कि कृष्ण जी जो हैं एक सिद्धेंद्र योगी करके थे ठीक है यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ सिद्धेंद्र योगी करके थे जिनको की सिद्धेंद्र योगी जिनको की इस पर्टिकुलर कुचिपुडी का फादर मान लो या फिर ओरिजिनेटर मान लो इन्हों इन्हीं से ही जन्म हुआ कुचीपुडी का कैसे ये एक वैष्णवाइट सेंट थे तो भक्ति और सूफी मूवमेंट हमने पढ़ा था आ, हिस्ट्री में तो उसमें जो भक्ति मूवमेंट हमने देखा था कि सगुन निर्गुण देन सगुन को वैष्णवाइट अलवर नया नर में बांटा था कि नहीं बांटा था तो जो हमारे शिव जी के भक्त होते हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं ज़रा बताइए और विष्णु जी के किस नाम से होते हैं तो विष्णु जी को हम अलवर बोलते हैं अलवर सेंट तो उन्हीं में से एक अलवर सेंट थे सिद्धेंद्र योगी जी ठीक है तो ये वैष्णवाइट थे तो ये माना जाता है कि क्योंकि कृष्ण जी की बहुत पूजा करते थे तो कृष्ण जी इनके सपने में है उन्होंने बोला कि क्योंकि तुम मेरे बड़े परम शिष्य हो इसलिए मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ टास्क ये है कि तुम एक डांस फॉर्म को एक इवॉल्व करो जिसमें कि तुम इस चीज़ को दिखाओ कि किस तरह से मैं अर्पण कर रहा हूँ एक फूल होता है यार अपारिजिता आई थिंक होता है अपारिजिता है ना हाँ यही आई थिंक अपारिजिता होता है शायद ना अपारिजिता का फूल होता है ना एक नीला कलर का होता है शायद ना तो अपारिजिता का जो फूल है क्योंकि कृष्ण जी ने ऑफ़र किया था सत्य भामा को जो कि उनकी तीसरी वाइफ थी तो उन्होंने कृष्ण जी ने इनको ये बोला सपने में कि भाई ये इस तरह का तुम दिखाओ ठीक है तो यहीं से ही उन्होंने क्या बनाया उन्होंने यानी कि सिद्धेंद्र योगी जी ने यहाँ से इन्होंने डेवलप किया भाम कल्फम. ठीक है भाम कलफम ये जो भाम कल्फम है कौम, डेवलप मतलब किया कॉम्पोजिशन में मतलब कि इन्होंने एक तरह से सॉन्ग भी डेवलप किया और प्लस इसके अलावा उन्होंने किस तरह से इसको सॉन्ग को दिखाना है फेसियल एक्सप्रेशन और डांस के माध्यम से वो भी इन्होंने भामकलफम में लिखा अब उसमें पता इन्होंने थिएट्रिकल पार्ट का यूज लिया यक्षगान से क्योंकि ये थिएटर में परफॉर्म किया जाता था यक्षगान इसमें सच बहुत एक्सप्रेशन और म्यूजिक वगैरह नहीं था यक्षगान में तो इन्होंने क्या किया इसी यक्षगान का ही यूज करके ब्राह्मण लड़के जो थे वहां के कुीपुडी गांव के उनको ये सिखाना स्टार्ट किया और यहां से इसका होता है जन्म ये पूरी स्टोरी है जो कि आपसे शायद ही पूछे बट भामकलफम ये ध्यान रखना किससे एसोसिएटेड है कुचीपुडी से एसोसिएटेड है आपका ये इंपॉर्टेंट है देन बाद में ये क्या क्या अगेन जब इसमें डिफरेंट किंगडम्स आए कुछ किंगडम्स ने तो इसको पैटर्नाइज किया इसको इंपॉर्टेंस दी लेकिन कुछ किंगडम्स ने इसको पैटरनाइज नहीं किया और ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा एक टाइम के बाद तो इसके रिवाइवल के लिए इट वॉज रिवाइव्ड बाई बाला सरस्वती बाल सरस्वती जैसे उसको ई कृष्ण अय्यर जी ने रिवाइव किया था भरतनाट्यम को एंड रागिनी देवी ठीक है राग्नी देवी इन दो लोगों ने इसको मेनली जो है इनके रिवाइवल में इनका मेन हम बोल सकते हैं हाथ अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ठीक है अब मैं कुचीपुडी आपको दिखाने जा रहा हूं ठीक है अब इसमें जो हमने पाँच अर, एलिमेंट नेचर के डिस्कस किए थे तो उसमें से फायर तो हमारा हो गया भरतनाट्यम से इसमें आप देखिएगा कि किसको दिखा रहा होगा ठीक है जो कुचिपुडी है देखिएगा ध्यान से आप कुचिपुडी में आपको एक चीज बताऊंगा ध्यान से देखना अब ये जो लोटा है लोटे को ये सिर पे रखेंगे अभी रखा अब यहाँ पे आगे जब ये आगे बढ़ेंगी तो ब्रास की ब्रास किसका एलॉय होता है कमिस्ट्री तो पढ़े नहीं है बता सकते हो कमेंट में तो ब्रास के एल की एक प्लेट होगी ब्रास की ठीक है जो कि कॉपर और जिंक का एलॉय तो उसकी प्लेट में अभी खड़े हो के ये नाचेंगी पता नहीं वो पार्ट इसमें है कि नहीं है सॉरी यार है नहीं ठीक है तो इसमें वो चीज़ दिखाई नहीं गई है कि मतलब किस तरह से लोटे में पानी भरती हैं सिर में रखती हैं और यहीं पर आगे प्लेट रखी है ठीक है तो प्लेट रखी और प्लेट में ये चलती हैं प्लेट में समझ रहे हो प्लेट ऐसे है और प्लेट के ऊपर खड़े हो के ना डांस करेंगे प्लेट आगे पीछे आगे पीछे आगे ऐसा नहीं कि वहीं खड़े खड़े प्लेट में डांस करेंगी और प्लेट छोटी सी होगी जिसमें हम लोग खाना वाना ऐसा समझ लो खाते हैं आगे पीछे तो वो एक्चुअल में ये हमारा सारी चीज़ें अर्थ जो होता है ना अर्थ इसको सिंबलाइज करती हैं ये ठीक है ये, ये पर्टिकुलर डांस इसके एलिमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है गणेश वंदना से गणेश वंदना को आप रिलेट कर सकते हैं अला रिप्पू से जहाँ पे एक तरह से भगवान को फूल ऑफर किया जा रहे थे फ्लावर्स ठीक है तो गणेश वंदना से स्टार्ट होता है ठीक है देन उसके बाद जाटी स्वरम यहाँ पर भी होता है अगर याद हो वहाँ पर जाटी स्वरम दूसरा पार्ट था यहाँ पर भी जाटी स्वरम दूसरा पार्ट है वहाँ पर भी शब्दम था यहाँ पर भी शब्दम है ठीक है और यहाँ पे आपका कल्फम होगा ठीक है भाम कल्फम से एसोसिएटेड आपका कल्फम पदम वहाँ पे भी था पदम यहाँ पे भी है और लास्ट पार्ट जो होता है यहाँ पे तरंगम होता है तरंगम तरंगम वही पार्ट है जहाँ पे ये लोग क्या करती हैं जो ब्रास की प्लेट है उसके ऊपर डांस करती हैं क्लियर इतनी चीज़ तो पहचानने के लिए आ जाता है कि अला ये सब पहचानने के लिए आ जाता है कि भाई किसके एलिमेंट है तो आपको पहचानना होता है अब आते हैं हम यहाँ पे जो कुची पुडी उसके एक्सपोनेंट को याद करने की ट्रिक देखते हैं तो सबसे पहली बात तो है जिसके नाम में भी आपको रेड्डी दिख जाएगा तो वो कुचीपुडी से रिलेटेड ही होगा जैसे कि राजा रेड्डी राधा रेड्डी पद्मजा रेड्डी भावना रेड्डी यामिनी रेड्डी ये सारे जितने भी रेड्डीज हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं आपके रेड्डी नाम में दिखा कुचिपुडी रेड्डी कुचिपुडी यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में देखे थे मल्लिका सारा भाई भरतनाट्यम में देखे थे ये दोनों लोग कुचिपुडी से भी एसोसिएटेड है भरतनाट्यम के अलावा ठीक और एक्सपोनेंट कि अभी सारे एक्सपोनेंट कवर नहीं हुए क्या ऐसा नहीं कि सब के जितने भी मतलब इन रेड्डीज़ ने कोई पेटेंट दे रखा है कि जितना ये <laughs> परफॉर्म करेंगे तो रेड्डी करेंगे ठीक है तो मतलब एक तो ये है कि ट्रिक है जब रेड्डी दिख जाए तो कुछ पुटी है दूसरी हमारी ट्रिक है सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए थे जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा को किस शोभा के साथ कच्ची पुड़ी खाई सत्यम से यहाँ पे वेम्पाता चिन्हना सत्यम सतीश से अपर्णा सतीशम लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री सत्यनारायण से वेदा वेदांतम सत्यनारायण और सुंदर से स्वप्न सुंदरी और शोभा से शोभा नायडू कच्चीपूडी से कुपूडी और इसमें एक और नाम नोट करेंगे कुछ लोग जानते होंगे हलीम खान ठीक है हलीम खान और हलीम खान एक्चुअल में <laughs> जिन लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो उन्हें पता है ना मैंने मीम के साथ उसमें ऐड किया है एक्चुअल में है क्या ना कि ये जो पर्टिकुलर ये आपका कुचीपुडी है इसको परफॉर्म किया जाता था मेन अभी तो आई थिंक बफरिंग नहीं हो रहा होगा अभी तो बफरिंग नहीं हो रहा ना आई थिंक इसको परफॉर्म किया जाता था ठीक है अभी नहीं हो रहा है ठीक है तो मैंने हलीम खान के क्या आगे मैं बता देता हूँ तो जो आपके हलीम खान हैं ठीक है थीके? हलीम खान के रिगार्डिंग मैंने ये चीज़ बताई आपको कि जो हलीम खान हैं उनकी अगर आप गूगल पे फोटो सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि वो आ, कि वो आपके मैन नहीं बल्कि विमेन है जो हलीम खान है क्योंकि एक्चुअल में जो हलीम खान है वो परफॉर्म करते हैं सत्य का रोल उसमें क्योंकि कुचीपुडी में आपके दो रोल्स को परफॉर्म किया जाता है एक तो कृष्ण जी और सत्य क्योंकि कृष्ण जी सत्य जी को वो पारिजाता के फूल ऑफर कर रहे हैं और क्योंकि वो फूल ऑफर कर रहे हैं तो उसमें हमें सत्य का भी रोल दिखाना होगा तो जो सत्य भामा हैं जो फीमेल कैरेक्टर है उसमें एक मैन ही परफॉर्म करता है सत्य भामा का रोल तो हलीम खान जो है उसमें सत्य भामा का रोल परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे ठीक है चलिए तो अभी आते हैं मोहिनी अट्टम पे और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया बस स्लाइड मैंने चेंज करी है ठीक है तो चलिए मोहिनी अट्टम पर आते हैं सबसे पहले मोहिनी अट्टम किस पर्टिकुलर स्टेट का क्लासिकल डांस और ये भी बड़ा अच्छा क्लासिकल डांस है तो मोहिनी अट्टम है आपका केरल का ठीक है ये आपका केरल के अब हम केरल के दो क्लासिकल डांसेस देखने वाले हैं तो केरल हमारा एकमात्र राज्य है जहाँ से दो आपके निकल के आते हैं अभी यहाँ पे मोहिनी यट्टम में जो मोहिनी शब्द है ये अशो असोसिएटेड है विष्णु जी से तो विष्णु जी के ही अवतार हैं अवतार ये तो नहीं अवतार बोल लें मोहिनी जी अवतार ही बोल सकते हैं हुआ क्या था आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि एक समुद्र मंथन हुआ था किस किसने स्टोरी सुनी है ये कि एक समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में क्या हुआ था उस समुद्र मंथन में जो असुर लोग थे और जो हमारे भगवान लोग थे वो क्या किए थे एक समुद्र मंथन परफॉर्म किए थे जिसके बाद एक अमृत निकला था लेकिन जो हैं असुर लोग तेजू निकले अमृत लेके नौ दो ग्यारह हो गए गॉड लाइक बी लो मोई मोई हो गया उनके साथ तो उन्होंने विष्णु जी को बोला वो तो ले कर निकल लिए यहाँ हम पीने को बैठे थे हम सोचे थे हम पियेंगे वो तो ले कर निकल लिए और वहाँ पे जो है असुर लोग अपना आराम से मौज ले रहे हैं उसको अमृत रस को बीच में यो 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 ठीक है तो उसके बाद जो हमारे विष्णु जी पहुँचे मोहिनी का रूप रख के मोहिनी का रूप धारण करके यानी कि एक फीमेल का रूप धारण करके और मतलब पहुँचे वहाँ पर और हमारे असुर लोग मोहित हो गए उन पर है ना तो अगर तुम भी किसी <laughs> मोहिनी पे मोहित होते हो तो मतलब कि तुम भी एक असुर हो मतलब अभी के लिए बोल सकते हैं ठीक है तो मोहिनी पे क्या हुए अब जो हमारे असुर लोग थे वो मोहित हो गए उन्होंने अमृत जो है दे दिया किसको विष्णु जी को उसमें से एक तुम्हें पता होगा एक वो हो था क्या नाम था उसका यार भस्मा उसको पता चल गया कि ये कुछ तो गड़बड़ है दया लेकिन जिससे पहले कुछ कुछ कर पाता वो अपने असली रूप में विष्णु जी के आके कि उसको वध कर दिए उसका ठीक है तो खैर ये पूरी स्टोरी है इस तरह से मतलब जो ओरिजन हुआ ओरिजिन मतलब जो परफॉर्म किया डांस उन्होंने किसने विष्णु जी ने या फिर जो मोहिनी थी उन्होंने जो डांस परफॉर्म किया वही एक्चुअल में जो है मोहिनी अट्टम में हमें देखने को मिलता है वहीं से मोहिनी अट्टम का ओरिजिन हुआ इसके लिटरी सोर्स की अगर बात, बात करें तो व्यवहार माला ठीक है व्यवहार माला ठीक है जिसको कि लिखा था मज़ा मंगलम ने मजा मंगलम ने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी ना अब जो मैं चीज़ लिखूंगा उसको जरा ध्यान से देखना जब मैं भी वीडियो प्ले करूंगा तो ध्यान से इसमें इस चीज़ को देखना इसमें आपको नो अब्रप्ट जर्क नो अब्रप्ट जर्क मतलब ऐसे हम 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 भरतनाट्यम की तरह नहीं देखने को मिलेगा आज मैं पूरा परफॉर्म कर देता आज मैं सारे क्लासिकल डांस वो तो मैं फेस रिवील एस रिवील नहीं किया हूँ नहीं तो आज बेटा सारे मैं वो कर देता सौ रुपये भेजें किसने शरद इसके हमने क्यों भेजें शरद जी अभी कोई इच्छा हो तो बताइएगा ख्वाहिश हो तो ठीक है ज़रूर बताइएगा परफॉर्म करेंगे अब अगर शरद जी अगर बोल देते हैं कि परफॉर्म करो मोहिनी मोहिनीअट्टम को तो हम परफॉर्म करते आज <laughs> ठीक है तो जिसमें जर्क्स नहीं होते घट घट -गट घट -गट ऐसे करके बहुत स्मूथ चलता है देखा देखना चाहोगे अरे यार ट्रिक आ गई यार मोहिनी मोहिनीअट्टम कहाँ गया मेरा मोहिनी मोहिनीअट्टम अरे यार मोहिनी मोहिनीअट्टम है नहीं ये लगाया तो था यार एक सेकेंड रुकना जरा ठीक है सेकेंड देखना पड़ेगा लगाया तो था कहीं और तो नहीं लगा दिया शिट अरे यार ये तो देख लेना है ठीक है ये तो मैं दिखा दूंगा अभी क्लास के एंड में नहीं तो क्लास में फालतू में बीच में डिस्टर्ब होगी मैं उस चीज़ को दिखा दूंगा आपको ठीक है मोहन नेटपूं किस तरह से स्मूथ होता है मैंने मेरे पास वीडियो तो है वो लेकिन मैं लगाना भूल गया उसको ठीक है मैंने क्लिप क्लिप काट आट के रखी तो थी लेकिन उसको लगाना भूल गया मैं लास्ट में उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके आपको दिखा दूंगा ठीक है तो नो एब्रब जग जब जर्स होते हैं यानी कि बहुत स्मूथ चलता है ये और क्योंकि स्मूथ को स्मूथ चलता है बहुत इसमें कोई अब्रब जर्क्स नहीं होते हैं एक्चुअल में तो ये पता है कौन किस चीज़ को दिखाता है ये हमारा एयर को दिखाता है तो फायर को कौन दिखा रहा था फायर को दिखा रहा था भरतनाट्यम अर्थ को कौन दिखा रहा था कुचिपुडी और एयर को कौन दिखाएगा व्यवहारमाला और इसको एकदम वाइट साड़ी में परफॉर्म किया था एकदम मज़ा आ जाएगा आपको देखे. देख के देख रहे हो मतलब कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी है ना जो आपका ये डांस होता है तो इसमें एयर को ही सिम्बलाइज़ करता है इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं तो ये अच्छा अब अब ये चीज़ तुम बताओ मुझे कमेंट में कि मैंने तुम्हें दो बताए थे स्टाइल कि लास्ट से और तांडव होता है तांडव शिव जी को दिखा रहा है और लास्ट से पार्वती माता को दिखा रहा है तो और एक कंपोनेंट डोमिनेटिंग होता है जैसे कि शिव वाला जो कॉम्पोनेंट था वो डोमिनेटिंग था भरतनाट्यम में तो उसको शेवाइट फॉर्म ऑफ डांस बोल देते हैं मोहिनीअट्टम में कौन सा होगा इसमें बताने की जरूरत होनी ना चाहिए वैसे तो ठीक है तो अगर हम बात करें जो मोहिनीअट्टम है इसमें एलिमेंट्स होते हैं इसके भी जैसे कि चोलु केतु ठीक है चोलु केतु होता है आपका इसमें जाति स्वरम इसमें भी होता है दूसरा स्टेप जाति स्वरम पडवर्मन ठीक है पद वर्णम पदम और टिल्लाना इसमें भी होता है आपका ठीक है टिल्लाना होता है देन स्लोकम होता है एंड देन लास्ट में होता है सप्तम ये आखिरी में होता है तो ये बस ही करना है आपको कि भाई ये किससे एसोसिएटेड है रेकग्नाइज मैं मोस्टली अगर पूछेगा अभी तक जो सीजियल 2023 में पूछा गया था फिर और भी अभी फर्दर एग्जाम में पूछा गया वो भरतनाट्यम से ही पूछा है जो मैंने देखा अभी तक अभी तक इनसे नहीं पूछा स्लोकम सप्तम उस वो उसने सिर्फ अभी तक अलारिप्पू दिया है पदम दिया टिल्लाना दिया जाटीश्वरम दिया और उसका आंसर भरतनाट्यम था अभी तक इनसे पूछा नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए ठीक है अब इनके एक्सपोनेंट को देख लेते हैं ट्रिक क्या है तो मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा तो मोहिनी है और हाँ ये किसको दिखाएगा मोहिनी तो ये एक फेमिनाइन एक्सपेक्ट को दिखाएगा लाश से वाला होगा इसमें क्यों क्योंकि ये वैश्वाइट फॉर्म ऑफ डांस है ये एक तरह से वैश्नवाइट फॉर्म ऑफ डांस है शेवाइट नहीं है वैश्वाइट है ये, ठीक क्लियर तो ट्रिक ये हो गई मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्म भी देखेंगे मोहिनी से मोहिनी अट्टम ठीक है गोपी का गोपी से गोपिका वर्मा कान से कनक रेले सुना से सुनंदा नायर जय से जय प्रभा मेनन राधा से राधा दत्ता कृष्ण से पल्लवी कृष्णन और अम्मा से कल्याणकुटी अम्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कल्याणकुटी अम्मा जिन्होंने इसको एक तरह से मेन इनका रिवाइवल में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आता है कल्याणकुटी अम्मा जी का और एक और नाम याद रखिएगा वी एन मेनन जी इनका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को रिवाइव करने के लिए रिवाइवल के लिए ठीक ना सिर्फ इसमें ये रिवाइवल का का मेन रोल प्ले करते हैं बल्कि कथक कली जो कि अगेन केरल का ही क्लासिकल डांस है तो एकमात्र राज्य जहाँ से दो दो क्लासिकल डांस आते हैं वो केरल है वी एन मिनन का इसमें भी रोल रहता है इसको रिवाइव करने के लिए और एक चीज़ ध्यान रखना दो चीज़ें कॉमन है मोहिनी अट्टम और कथक कली में एक तो वी एन मैन देख लिया तुमने और दूसरा इसमें दोनों में चौबीस हैंड जेस्चर्स चौबीस मुद्राएँ चौबीस ठीक है ट्वेंटी फोर हैंड जेस्चर्स दिखाए जाते हैं इसमें चौबीस हस्त मुद्राएँ हम बोल सकते हैं इनको दिखाया जाता है इसका एक डिस्टिंग हर एक हर एक का डिस्टिंगशिंग फीचर है, जैसे कि तड़कता भड़कता भरतनाट्यम ठीक है वो कॉपर प्लेट में चल रही थी ऊपर वो लोटा रख के कुछ ही पुडी इसमें पीछे वाले में देखे थे कि उसमें एक वाइट साड़ी होगी और उसमें से बहुत आराम आराम से स्मूथ बड़ा आराम मजा आता है देख के अभी मैं लगाऊंगा उसको चिंता ना करो ठीक है तो वो होता है कथक कली में देखा होगा तुमने ठीक है डी डी नेशनल पे आता था ये तो ये आपका ग्रीन मैं इनका नाम बोल रहा हूँ जो डी नेशनल पे आता है तो उनका एक नाम है नाम बोल रहा हूँ थोड़ा सा साउथ इंडिया का है तो ये इसमें कलर्स पूरा फेस कलर्ड होता है इसमें ये एक्चुअल में जो डांस है मैं बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है बुराई पर अच्छाई की जीत डेट इज हम बोल सकते हैं विन ऑफ गुड ओवर एविल को दिखाता ही है इसमें कुछ अब जैसे ये है ये हमारे गुड दिखा रहे हैं इसमें जो एविल एविल वाला फेस होगा ना उसमें एक ऐसे जैसे जोकर का वो एक बॉल सा लगा होता है तो ये बॉल यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे अगर लगा है तो वो एविल कोई बंदा है उसको दिखा रहा है तो उसको ये जो है हमारे गुड वाले बंदे मार देंगे उसको वो ठीक है अब इसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है जैसे कि यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर देख रहे हो तो ग्रीन कलर इज़ अ सिम्बलिक ऑफ स्ट्रेंथ तो ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है और इसमें एक्चुअल में एक तरह से फेस कलर्ड होता है और बहुत ही एक्सप्रेसिव फॉर्म का बहुत ही अभिनय इसमें दिखाया था बहुत एक्सप्रेसिव फॉर्म का ये क्लासिकल डांस होता यह ठीक है थीके? अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या थे इसके मतलब कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स और एक चीज़ और है अभी चलो वो बाद में देख लेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं तो केली कोटू केली कोटू केली कोटू होता है आपका इसमें एक टी से होता है तोडायम ठीक है तोडायम एक होता है आपका पूरा पड्डू तिरानक्कू तिरानक् इलाकी अट्टम ठीक है ये इसके मतलब वही थोड़े से अजीब से नाम है बस तो आपको रटने की जरूरत नहीं है बस देख लो कि अगर आ जाए तो तुम्हें पता हो कि हाँ यार कथक कली से एसोसिएटेड था ये बहुत ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है आपको बिकॉज ऐसे मैंने पहले ही बताया अभी तक तो भरतनाट्यम से ही पूछे हैं तो अला रिपू जाटी स्वरम पदम तिल्लाना वो तो आपको याद ही हो गए ठीक है तो ये इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसमें राइट एंड और क्या इसमें याद कर सकते हैं और जैसे कि इसमें कभी कभी जब हम मार्शल डांस पढ़ेंगे तो मार्शल डांस में केरल का एक पढ़ेंगे कलारी पायट्टू तो इसमें इस चीज़ को भी दिखाया जाता है यानी कि इसमें जब ये दिखाया इस चीज़ को शो केस किया था कि किस तरह से बुराई असुरों का वध किया जा रहा है तो उसमें एक कलरी पयट्टू का भी एलिमेंट जो कि एक मार्शल डांस है केरल का उसका भी एस्पेक्ट इसमें ऐड किया जाता है ये किस पर्टिकुलर को दिखाता है मतलब अभी मैं चलो क्लासिकल डांस आपको दिखाता हूँ बताना कि किसको सिम्बलाइज करेगा ये नेचर को हमारा फायर हो गया अर्थ हो गया और एयर हो गया अब ये किसको दिखाएगा और पता है अभी जो मे मैंने इसमें मतलब रीज़न वो नहीं बताया आपका जैसे सबका मैंने भरतनाट्टम का मतलब बताया था और मोहिनीअट्टम का मतलब बताया मैंने कुचिपुडी का तो कोई मतलब था ही नहीं वो गांव का नाम था ये जो है आपका ये जो से मेरा मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं अभी कथक कली कथक कली ये कथा जो ये वर्ड है कथा का मतलब होता है स्टोरी कथा का मतलब होता है यहाँ पर स्टोरी और किस तरह से कली का मतलब हो गया एक तरह से कला और फिर कला उसको दर्शाना तो स्टोरी डांस के थ्रू दर्शाया जाता है इसमें तो स्टोरी चल रही होती है और ये पता है रात में परफॉर्म किया जाता है इसको रात में परफॉर्म किया जाता है और एकदम लैंप जलता रहेगा और कोई रोशनी नहीं और सुबह तक चलता ही ऐसा नहीं ब्रेक नहीं होता बीच ब्रेक होते सुबह तक मतलब ये दिखाता मतलब सुबह तक चलता है तो कहीं ना कहीं इट वेलकम्स दी डॉन डॉन वो वाला डॉन नहीं डॉन बनेगा जॉन वो जॉन बनेगा डॉन ये डॉन का मतलब होता है सुबह आपने पढ़ा होगा ना डॉन डस्क तो ये डॉन मतलब सुबह को दिखाता ही है क्योंकि रात में शुरू होता है शाम के टाइम पर लगभग आठ बजे के समथिंग और सुबह तक चलता ही है तो कथाकली कथा जो वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब होता है स्टोरी तो स्टोरी को एक तरह से यहाँ पे दर्शाया जाता है स्टोरी पे ये डांस को परफॉर्म किया जाता है अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट ऑफ कथकली तो मिलेना सालवनी कुंचुक रूप और गोपीनाथ तीन इसके एक्सपोनेंट याद करने हैं बाकी अगर देखो कोई को एडॉन्स होते रहेंगे अब क्योंकि एक्सपोनेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने यहाँ पे वो रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ज़्यादातर ठीक है अगर कुछ एड ऑन होंगे तो वो मैं नोट्स में ऑन करके अपडेट कर दूंगा अगर होंगे तो ठीक है तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो कि कुछ कली मिले ना मिले कुछ कली मिले ऐसे नहीं 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 मैंने और एक और याद करवाया था इसमें बाल ठीक है पी वी बालकृष्णन ठीक है पी वी बालकृष्णन एक नाम है जो इसी से एसोसिएटेड हैं आपके तो इस तरह से मैंने याद करवाया इस इसको याद कर सकते हो कि बाल मिले ना मिले कुछ कली मिल जाए ठीक है और गोपी को कुछ गोपी को भी एसोसिएट कर सकते हो कि बाल से बाल कृष्णन मिलेना से मिलेना सालवनी कुछ से कुछ क्रूप गोपी से गोपीनाथ तो और कथ कथकली हो जाएगा कुछ मिले ना मिले बाल मिले ना मिले कुछ कली मिल जाए तो कली से कथक कली हो जाएगा आपका ठीक है तो ये कथक कली होता है अभी हमारा यहाँ पे खत्म ठीक है आप किस पे आ जाएं आप कथक को कर लें कथक कली को करने के बाद हम कर लेते हैं किसको कथक को कर लेते हैं ठीक है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है एक बार देख लेता हूँ क्योंकि बफरिंग का बड़ा प्रॉब्लम चलता रहता है बीच बीच में पता नहीं क्या दिक्कत आती है बफरिंग का ये वाह 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 अच्छा आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है क्या बात ऐसा है क्या चलो तो फिर अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे चलो तो अभी कथक पे आते हैं जो यूपी का यूपी का क्लासिकल डांस है यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पे भी जो कथा का मतलब है वो स्टोरी ही है यहाँ पे भी इसको भी स्टोरीज में परफॉर्म किया जाता है और इसको पता है एक्चुअल में आ, मतलब इसको परफॉर्म जो करना स्टार्ट किया गया था इसके ओरिजिनल फॉर्म में परफॉर्म किया जाना स्टार्ट किया गया था इसको जैसे टेंपल्स वग़ैरह में फिर जहाँ भी कथाएँ वगैरह होती थी एज अ थिएटर के रूप में लेकिन ये जब मुगल मुगल्स खास कर ये इस रीजन में आए तो उन्होंने जो है इसको थोड़ा सा इसमें पर्शियन टच दिया पहली बात और इसको समझ रहे हैं आप मतलब जो फीमेल्स परफॉर्म करती थी उनको अपने कोर्ट में अपने आनंद के लिए परफॉर्म करवाते थे तो कहीं ना कहीं डिटेडरेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा उनके टाइम पे देन हमारे एक नवाब के अवध थे जो कि लास्ट नवाब थे अवध के उनका नाम था वाजिद अली शाह ये वाजिद अली शाह का काफ़ी बड़ा रोल है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर कथक को फिर से रिवाइव किया और इस तरह से रिवाइव किया कि इन्होंने खुद खुद विमेंस के कॉस्ट्यूम पहन के इसको डांस करना स्टार्ट किया वाजिद अली शाह ने और यहीं से इन्होंने जो है जो कि लास्ट नवाब थे अवध के लिख देता हूँ मैं लास्ट नवाब ऑफ अवध उसको हम अवध करके लिखते हैं आपने कृति सेनन का नाम सुना होगा कृति सेनन है ना तो कृति सेनन भी कथक डांसर हैं तो वाजिद अली शाह ने जो है यहाँ से इन्होंने लखनऊ घराने को स्टैब्लिश किया अब ये घराना क्या चीज़ होती है तो घराना का मतलब वही होता है जो अभी मैंने स्टाइल बताया था पंडा नलूर वजूर स्टाइल की भाई जैसे कि मैं आपको बताता हूँ देखो कथक जो है ना इसमें तीन घराना है याद रखना कथक में तीन घराने हैं इंपॉर्टेंट एक तो लखनऊ घराना जो भी मैंने बताया वाजिद अली शाह इसके फाउंडर हैं एक है हमारा यहां पे जयपुर घराना जयपुर घराना जो कि जयपुर घराना और एक है हमारा बनारस घराना बनारस घराना ये तो समझ गया इसको जी फाउंड किए थे कि कौन जी ठीक है जी और इसको जानकी प्रसाद जी इसके फाउंडर थे जानकी प्रसाद और इसके वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह तो घराना का मतलब ये है कि जैसे जयपुर घराना है इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है इतनी ज़्यादा होती बहुत भयंकर स्पीड होती है इसमें इन दोनों में इतनी स्पीड नहीं होती इनमें इनका अपना अलग करेस्ट फीचर इसमें भाव ज़्यादा होते हैं इसमें स्पीड ज़्यादा होती है समझ रहे हैं आप तो ये होते हैं बस वो है कथा की लेकिन अलग अलग थोड़ा सा कोई एलिमेंट किसी में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बस ये बात है इसके एलिमेंट्स की अगर बात करें कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है तो जैसे इसमें थाट होता है इसमें आपका टुकड़ा होता है ठीक है इसमें आपका कॉमा लगाता देता हूँ पराना होता है आपका ठीक है जुगलबंदी होती है इसमें जुगलबंदी होती है ठीक है तराना नहीं अभी पराना हुआ है तराना होता है एक आपके इसमें तराना क्रमल्य होता है ठीक है क्रमल्य और घाट भाव होता है ठीक है लास्ट में परफॉर्म किया जाता है घाट भाव अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर सारी चीज़ें और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट दिखाने से पहले दिखाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ एंड दैट इज़ कि जो म्यूज़िक होता है ना म्यूज़िक ये दो तरह का होता है एक जो नॉर्थ इंडिया का म्यूज़िक है जैसे कि हम टेंपल का आर्किटेक्चर पढ़े थे नॉर्थ इंडिया का जो टेंपल आर्किटेक्चर था उसको नगर स्टाइल साउथ इंडिया को द्रविड़ स्टाइल बोल रहे थे ऐसे म्यूज़िक भी दो तरह का होता है तो हिंदुस्तानी स्टाइल का होगा हमारा म्यूज़िक और जो साउथ इंडिया का होता है उसको बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल का म्यूज़िक साउथ इंडिया का द्रविड़ और नॉर्थ इंडिया का हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है कत्थक इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस दैट इज़ परफॉर्मड इन द हिंदुस्तानी म्यूज़िक और जितने भी अभी हम देख के आए हैं इसके पहले कौन कौन से भरतनाट्यम कुचिपुडी मोहिनीअट्टम कथक कली ये सारे जो साउथ इंडिया के हैं ये आपके द्रविड़ लिख दिया मैंने गलती से सॉरी ठीक है ये सारे आपके कार्नेटिक म्यूजिक में परफॉर्म किए जाते हैं जो साउथ इंडिया का म्यूजिक है ठीक है और ये हम जब म्यूजिक पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कार्नेटिक म्यूजिक के जो फादर कंसिडर किए जाते हैं वो पुरंदर दास जी हैं कौन पुरंदर दास जी इसके फाउंडर फादर कंसिडर किए जाते हैं और क्वीन इसकी कंसिडर की जाती हैं क्वीन ऑफ कॉनिक म्यूजिक एम एस सुबुलक्ष्मी कौन एम एस सुबुलक्ष्मी इनको क्वीन ऑफ कॉनिटिक म्यूजिक बोला जाता है एंड शी इज फर्स्ट इंडियन फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू गेट द रैमन मैक्से अवार्ड वेमेन ही नहीं फर्स्ट इंडियन और इनको फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इन द ईयर 1998 1998 में जब आप में से हो सकता है बहुत लोगों का जन्म भी ना हुआ हो ठीक है आई थिंक आप सब लोग 1998 के बाद के ही कहीं है ना तो 1998 में जो है इनको मिला था भारत रत्न और नैबन मैक्से अवार्ड जो एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है वो भी इनको मिला था फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन थी ठीक है तो जो कथक है वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में परफॉर्म किया जाता है इट इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस अब देखो कथक म्यूजिक तो आ रहा होगा ना आप लोगों को कि बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा फील आना चाहिए पूरा भाई और इसमें क्या होता है लास्ट में एकदम स्पीड बढ़ जाती है लास्ट में स्पीड बढ़ जाती है इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एकदम से लास्ट में चलिए तो अभी हम इसके देख लेते हैं एक्सपोनेंट तो एक्सपोनेंट को याद करने की ट्रिक है अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो उनका प्रसाद खाओ विद्या मिलेगी लखपति बनोगे और सब मंगल ही मंगल होगा ये सारी जो ट्रिक्स बता रहा हूँ यू आई टी में आपको मिल जाएगी मैंने बहुत पहले ही इस पर मेहनत करके आपको दे दिया था ठीक है आ... हम देख सकते हैं वहाँ से वाइटी शॉर्ट्स के फॉर्मेट में भी तो आपको ज़्यादा रिकॉल करने में हेल्प होगी क्योंकि वहाँ पे वीडियो एडिटिंग के फॉर्मेट में उसमें उस दिखाया गया है तो आर्य महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो उनका प्रसाद खाओ विद्या मिलेगी लखपति बनोगे और मंगल सब मंगल मंगल होगा तो महाराज से बिरजू महाराज लच्छू महाराज अच्छन महाराज जितने भी महाराज दिखें आपको सब एसोसिएटेड होंगे कत्थक से जैसे बिरजू महाराज की अगर बात करें पूछ लेता है इनको इंडिया का हाइएस्ट सेकंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड का मिला भारत रत्न तो इनको नहीं मिला है इनको सेकेंड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण मिला है नाइनटीन में ठीक है और काफ़ी सारे हमारे जो बॉलीवुड में जैसे कि कृति सेनन हो गई बहुत सारे हैं ऐसे जो बिरजू महाराज जी के द्वारा ट्रेंड हैं बिरजू महाराज जी के द्वारा ठीक है इन्होंने कई सारे वो तुमने देखा है ना एक आ, वो बाजीराव मस्तानी करके पिक्चर है उसमें मूवी है बाजीराव मस्तानी और वो कौन सी है अरे यार वो कौन सी है जिसमें कि वो दीपिका पादुकोण नाचती है घूमर 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 करके तो उसमें एक्चुअल में बिरजू महाराज ने ही ट्रेन किया है ठीक है नारायण शोभना नारायण देवी सितारा देवी आस्था कामनी अस्थाना नलिनी अस्थाना दोनों सिस्टर्स हैं हमारी प्रसाद नारायण प्रसाद कालका प्रसाद ईश्वरी प्रसाद तो प्रसाद से हमारे तीन तीनों प्रसाद हो गए ठीक है और एक चीज़ ध्यान रखना बिरजू महाराज जी जो हमारे किस घराना से बिलोंग करते हैं तो ये कालका बिंदा दीन ठीक है ठीक है कालका बिंदा दीन घराने से बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज जी और एक सेकेंड में क्या मैं बोल रहा हूं यार अरे वो कौन सा यार अभी मैंने तीन कौन बताए थे यहाँ पे Uh, कौन से तीन एक तो लखनऊ बताया था मैंने आपको ठीक है जय जयपुर घराना बताया था एक आपको मैंने बनारस घराना बताया था एक लखनऊ हाँ तो इसमें जो ये आपका लखनऊ वाला घराना है उससे बिलोंग करते हैं मतलब ये कालका बिंदा दीन वाला ही है मतलब कालका बिंदा दीन घराना है लखनऊ का ठीक है लखनऊ का ये कालका बिंदा दीन घराना है ठीक है जिससे कि ये बिलोंग करते हैं फिर अगर हम बात करें दिए में हो गए विद्या विद्या से विद्या गौरी अटकर लखपति से कुमुदिनी लखिया और मंगल से अदिति मंगल दास तो ये सारे इम्पोर्टेंट नाम से जो आपको पता होना चाहिए जो अभी में जो आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ठीक चलिए तो ये हमारा यहाँ पे कथक भी होता है और कौन से बाकी हो रहे हैं हमारे कौन से छूट रहे हैं किसी को अच्छा कोई डाउट तो नहीं एक बार बता दो कंफर्म कर दो सर क्वेश्चन क्वेश्चन अभी करेंगे प्लीज़ वेट कर लो बस ख़त्म ही ऑलमोस्ट खत्म है ये ठीक है ऑलमोस्ट ख़त्म है बाकी के आखिरी के चलो इन दोनों ख़त्म कर लेते हैं ख़त्म है बस ठीक है सत्तरिया मणिपुरी और ओडिशी बचा ना ओडीसी वहाँ पे पीछे छूट गया तो चलो पहले नॉर्थ ईस्ट पे चलते हैं अभी ठीक है नॉर्थ ईस्ट पे दोनों एक एक ही तरह से रिलेटेड है जैसे मणिपुरी की अगर बात करें तो मणिपुर का स्टेट के नाम से है ठीक है स्टेट के नाम से आपको पता चलता है मणिपुर का ये क्लासिकल डांस है जो भी अभी मणिपुरी आपका ये वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है ठीक है वैश्ना वाइट है यानी कि जिसमें लास्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा डोमिनेट करेगा वैश्ना वाइट अब है क्या जो मनीपुर है ना मनीपुर मैं फिर मणिपुरी जो डांस है इसके तीन फॉर्म्स हैं एक तो मणिपुरी रास लीला दूसरा करेक्टर ढीला ठीक है संकीर्तन कोई मनीपुर से है यहाँ पे मणिपुर से और एक थांगटा ये तीन मणिपुर में एक तरह से डांस परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि हमारा मणिपुर डांस बना है रासलीला में क्या है थोड़ा सा हम कृष्ण जी और राधा जी का राधा और कृष्ण की हम रासलीला दिखाते हैं किस तरह से वो लव कर रहे हैं तो वो सारी चीजें दिखाते हैं ठीक है राधा एंड कृष्णा का इसीलिए मणिपुर को हम रासलीला के नाम से भी जानते हैं ध्यान रखना तो राधा एंड कृष्ण का यहाँ पे दिखाया जाता है क्या उन दोनों लोगों की रास लीला दिखाई जाती है ना और इसमें एक राजा आ, इनका क्या नाम था भूपेंद्र का कुछ नाम था राजा क्या नाम था यार कुछ था मैं नाम बोल रहा हूं भूपेंद्र भाग्य था आई थिंक भाग्य था एक बार देखना पड़ेगा ठीक है राजा भाग्यचंद्र ही था शायद ठीक है राजा भाग्यचंद्र थे उन्होंने एक्चुअल में इसको उसके मतलब प्रपाउंडर माने जाते हैं इसी मतलब कि इन्होंने ही ओरिजिनेट किया था उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये फैक्ट नहीं है मैं बता दूँ ठीक है रटने मत बैठ जाना बस सुन लो इस चीज़ को अगर मैं बता मैं वहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे कि जो मैंने एलिमेंट बता रहा हूँ सारे एलिमेंट वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस देख लेने सो दैट आप रिकोगगनाइज़ कर सको एक्सपोनेंट भूलने नहीं है तभी मैं ट्रिक लेके आया हूँ ठीक है और बाकी की जो चीज़ें वो भी आपको सारी याद रखनी है कि किस एलिमेंट को दिखा रहा है कौन ठीक है संकीर्तन की अगर बात करें तो संकीर्तन परफॉर्म किया जाता है आपका अब यहाँ पर पिक्चर यार नहीं लगा रखी है नहीं लगा रही पिक्चर एक्चुअल में आप देखोगे अगर कभी मणिपुरी सर्च करोगे तो एक ड्रम हाथ में लिए होंगे और उड़ रहे होंगे उड़ रहे होंगे मतलब बड़ा एस्थेटिक टाइप का डांस परफॉर्म कर रहे होंगे एकदम बहुत उछल उछल के कर रहे होंगे तो उसको बोलते हैं हम जागोई या चोलोम ध्यान रखना ये पूछ लेता है कि जो जागोई एंड चोलोम है किससे एसोसिएटेड है तो भैया मणिपुरी से एसोसिएटेड है इसमें चोलोम में होता क्या है इसमें पुंग पुंग क्या होता है पुंग एक तरह का ड्रम होता है ड्रम होता है ढोलक देखे और ढोलक तो जानते हो ना तो ढोलक तरह का होता है उसको ले के ये परफॉर्म करते हैं नाच भी रहे बजा भी रहे हैं उसको ठीक है जितने भी हमने क्लासिकल डांस पढ़े हैं बीट कथक जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे परफॉर्म किया जा रहा है या फिर जो हमने साउथ इंडिया के देखे उनको सब अलग अलग कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे नादोशरम हो गया घटम हो गया फ्लूट हो गया तो वो जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एक्सपोनेंट देखेंगे तो वहाँ पे उन चीज़ों को देखेंगे ठीक है अभी नहीं तो जागोई और चोलोम और जो चोलोम है ये ध्यान रखना जो चोलोम है ये पूछता है किस एस्पेक्ट को दिखाता है तो ये मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है ठीक है मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है एंड थांगटा की अगर बात करें तो ये आपका एक मार्शल डांस है वहाँ का मणिपुर का ठीक है तो इसका भी एलिमेंट इसमें रहता है मणिपुरी में क्लियर इतनी चीज़ और एक्चुअल में ये माना जाता है कि यहाँ का एक फोक डांस है लई हरोबा उससे ये इवॉल्व हुआ है लई हरोबा से जो कि मणिपुरी से भी पुराना है लई हरोबा जिसको कि गंधर्व जो लड़के हुआ करते थे तो उनको बोला जाता था गंधर्व गंधर्व लोग परफॉर्म किया किया करते थे ठीक है गंधर्व वही लड़के हुआ करते थे जो इसको परफॉर्म करते थे ठीक क्लियर यहाँ तक तो अब हम इसके एक्सपोनेंट देख लेते हैं तो एक्सपोनेंट हैं इसकी झावरी सिस्टर बिंबावती देवी निर्मला मेहता गुरु बिपिन सिंह चारू माथुर देवानी चाली और अलुना काबू नहीं अभी तक मैंने इसके एक्सपोनेंट की ट्रिक नहीं बनाई है तो अगर कोई बनाएगा तो इसकी एक्सपोनेंट की ट्रिक लिख देगा कमेंट में तो मणिपुरी में ये मैं बताने से पहले एक नाम अगर ना लिखें तो वो फिर अनर्थ हो जाएगा एंड दैट इज़ गुरु बिपिन सिंह जी का नाम जो गुरु बिपिन सिंह हैं ये सबसे पहले माना जाता है कि इन्होंने ही किस मणिपुर के मणिपुरी डांस फॉर्म का एक तरह से सबसे बड़े एक्सपोनेंट के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं इनको हंजाबा का टाइटल भी दिया था जब मणिपुर में राजा रजवाड़े का रूल हुआ करता था तो मणिपुर के जो राजा थे किंग थे उन्होंने इन, इनको ये टाइटल दिया था हंजाबा का टाइटल गुरु बिपिन सिंह जी को तो नाम याद रखना सबसे पहले तो गुरु बिपिन सिंह जी का नाम आता है ठीक है तो झावे ये सारे हमारे एक्सपोनेंट हैं तो झावेरी सिस्टर्स हो गई झावेरी सिस्टर, सिस्टर बिम्बावती देवी निर्मला मेहता ठीक है जैसे कि इसमें दर्शन झावेरी जहाँ पे भी आपको झावेरी दिख जाए सीधे सीधे मणिपुरी मारना उसमें ठीक है बिम्बावती देवी निर्मला मेहता गुरु बिपिन सिंह और जो भी हमने नाम देखा चारू माथुर दिव्यानी चालिया अलुना काबुइनी ये सारे नाम हमारे मणिपुरी से एंड अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्लासिकल डांस एंड दैट इज़ सतरिया ठीक है अब हमारा है अगला सतरिया जो कि सेकंड लास्ट है इसके बाद ओडीसी और ख़त्म दे क्वेश्चंस करेंगे तो सतरिया ये सतरिया सत्तर से वर्ड आया ये जो सतरिया क्लासिकल डांस है ये असम का है और ये सत्तर वर्ड से आया जिसका मतलब होता है मठ मत, मतलब ये जो वहाँ पे मठ हुआ करते थे असम में वहाँ पे परफॉर्म किया जाता था और मठ को वहाँ पे सत्तर बोलते हैं जब वहाँ पे मोनास्ट्रीज होती थी मठ होते थे वहाँ परफॉर्म किया जाता था और ये भी आपका एक वैशनवाइट फॉर्म का ही डांस होता है वैश्णाइट फॉर्म ऑफ डांस ही है सत्तरिया ठीक है और सतरिया की अगर हम बात करें तो इसके जो गुरु कंसीडर किए जाते हैं जिस तरह गुरु बिपिन सिंह को हम कंसीडर कर सकते हैं मणिपुरी में वैसे ही इसके जो हम बोल सकते हैं जो ओरिजिनेटर थे वो गुरु शंकर देव जी थे गुरु शंकर देव जी जो कि एक वैष्णव सेंट थे जो कि एक वैष्णव सेंट थे और ध्यान रखिएगा ये जो सतरिया है ये सबसे आखिर में एज अ क्लासिकल डांस की लिस्ट में आया संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा पूछ लेता है कब कौन से सन में तो ईयर 2000 में इसको एज अ क्लासिकल डांस का दर्जा मिला इससे पहले ये क्लासिकल डांस नहीं होता था ठीक है ये सत्तर में डेवलप हुआ गुरु शंकर देव जी इसके मेन फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं एक्चुअल में वहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा मणिपुर में लाई हरोबा पहले से ही परफॉर्म होता आ रहा था उसी से ही मणिपुरी बन गया वैसे यहाँ पे भी एक व्याह गोवा ओजा करके हुआ करता था व्याह गोवा ओजा तो वहाँ पे परफॉर्म होता था तो उसी का ही एक मतलब मॉडिफाइड वर्जन वहीं से निकल के आता है सतरिया तो ये नाम ढड़ने की जरूरत नहीं है ध्यान रखना कि हाँ ये कुछ व्या उगोवा ओजा सर बताए थे सतरिया के, के केस में था तो वो रिकोगनाइज़ हो जाएगा बिकॉज चाह तुम्हें लिखना थोड़ी ना यार चार ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे रिकॉगनाइज़ करना है और इस पर अभी क्वेश्चन आया नहीं अभी तक तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गुरु शंकर देव भूल नहीं सकते हो वैष्णव वैष्णवाई टाइप है भूल नहीं सकते हो असम का है सबसे आखिर में इंक्लूड हुआ है ऐसे क्लासिकल डांस ये भूल नहीं सकते हो ठीक है इनको जिस म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है वो है बोरगीत बोरगीत और इसको बाद में पता है जो सतरिया है इसको थिएटर्स में भी परफॉर्म किया जाता था थिएटर थी, मतलब जो नहीं जैसे कि वो हुआ करती रामलीला टाइप तो वो थिएटर है तो भावना जिसको कि भावना जिसको कि अंकिया नाट के नाम से जानते हैं तो भावना या फिर अंकिया नाट जो किया जाता है एक तरह का नृत्य ये आपका थिएटर डांस है जहाँ पर सतरिया डांस होता है प्लस वो अपना अलग और मिक्स कर देते हैं उसमें लेकिन जहाँ पे प्योर जहाँ पे कोई थिएट्रिकल एलिमेंट नहीं होता थिएटर का मतलब होता है कि भाई लोगों को थोड़ा हंसाने वसाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है लेकिन अगर उसमें कोई थिएट्रिकल एलिमेंट नहीं होते हैं तो वो होता है आपका जैसे चाली झुमरा ठीक है चाली झुमरा नाडू भांगी तो ये क्या है बस तुमसे पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा ये टर्म किससे एसोसिएटेड है तो बोल दो सत्तर ये वो इतना जाएगा ही नहीं कि इसमें किसमें थिएटर का कॉम्पोनेंट होता है किसमें थिएटर का कंपोनेंट नहीं होता है वो तो मैं अलग से बता रहा हूँ ठीक है तो इसमें नो थिएटर कॉम्पोनेंट अब इसको एक्सपरेंट देख लेते हैं और तुम्हें पहले दिखा देते हैं किस तरह से परफॉर्म किया जाता है तो ये देख सकते हैं ये है आपका वैश्व फॉर्म ऑफ डांस ठीक है चलिए अभी इसके एक्सपोनेंट देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं तो तीन एक्सपोनेंट याद करने हैं जतिन गोस्वामी भूपेन हजारिका और गुरु घना कंटा बोरा तीन ही एक्सपोनेंट इसमें याद करने हैं अभी के लिए जतिन गोस्वामी अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं नोट्स में ऐड करवा दूंगा जतिन गोस्वामी भूपेन हजारिका और गुरु गुरु घना कंटा बोरा ठीक है और यहाँ पे अब हमारा एक आखिरी बचा है बस थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी एंड दैट इज़ ओडीसी जो ऊपर छूट गया था कहाँ ओडीसी 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 ये रहो आपका ओडिसी चलिए ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का क्लासिकल डांस है ठीक है इस कोई अलग से जैसे मणिपुरी मणिपुर का है तो ओडिसी ओडिसी का उड़ीसा का इससे कुछ अलग नहीं है कि भाई इसका हम संधि विक्षेद करने बैठे जैसे देवदासी परफॉर्म किया करती थी भरतनाट्यम को वैसे ही इसको महारीज परफॉर्म किया करती थी टेम्पल्स में देवदासी से इनको कंपेयर कर सकते हैं जैसे भरतनाट्यम में देवदासी थी वैसे यहाँ पर महारी महार महारीस थी बाद में क्या होता है कि इस ये डिक्लाइन होने लगता है डिक्लाइन होने लगता है डिक्लाइन होने लगता है तब थोड़े से हमारे लड़के लोग जो हैं उनको ये लगता है कि ये तो डिक्लाइन हो रहा है हमें ही कुछ करना पड़ेगा और वो लड़के लोग कोई और नहीं उन्हीं को बोला गया गोती पुआ गोती पुआ अब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम यहाँ पे फोक डांसेस पढ़ेंगे ना फेस्टिवल पढ़ेंगे जब यहाँ पे उड़ीसा के तो वहाँ पे गोती पुआ फिर से आएगा पुआ खाया दाल खाई भाग के नाचा इस तरह से हम वहाँ पे फोक डांसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से आएगा गोती पुआ तो गोतीपुआ ये लड़कों का नाम है जिन्होंने इसको ओडिसी को रिवाइव करना स्टार्ट किया और ये अभी मैं आपको दिखाऊँगा बताना कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट को दिखाएगा एलिमेंट ऑफ नेचर जैसे अभी देखा था भरतनाट्यम आग को दिखा रहा था कुचिपुडी पृथ्वी को दिखा रहा था मोहिनीअट्टम किस को दिखा रहा था जल्दी से बताइए मोहिनीअट्टम किस पर्टिकुलर एलिमेंट को दिखा रहा था ठीक है और हमारा अर्थ को अर्थ को दिखा रहा था कु और और हमने क्या पढ़ा था हाँ वो जो हमारा ये था कथक कली था वो स्काई को दिखा रहा था स्काई को और जो मोहिनीअटम था वो एयर को दिखा रहा था तो अब हमारा क्या बच गया पांचवा एलिमेंट वाटर तो ये जो है वाटर को देख रहे हैं अंजलि अंजलि से यहाँ पे जो बीच में आपको दिखेंगी मैडम वो अंजलि सी बना रही हैं अंजलि में पानी ठीक है तो ये वाटर को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर के तो ध्यान रखना ये वाटर वाटर को दर्शाते हैं 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 देख रहे है, रहे मतलब पानी रहे हैं, भगवान को पानी चढ़ा रहे हैं ठीक है और ये जो गोतीपुआ लोग थे हमारे ये परफॉर्म पता है कहां पे करते थे जब कृष्ण जी को नहीं वो कृष्ण जी की वो पालना होता है कृष्ण जी का पालना तो उसमें जब उनको खिलाया जाता है पालने में तो उसके दौरान ये लोग परफॉर्म किया करते थे गोतीपूआ लोग इसके एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं अगेन गेन की तरह लेकिन एक्सपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे विद ट्रिक देखेंगे तो एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें होता है आपका मंग आ, मंगल चरण ठीक है मंगल चरण यानी कि भगवान के चरण पहले तो छुए जाएंगे मंगल चरण देन होता है बाटू नृत्य बाटू नृत्य ठीक है इसमें एक्चुअली जो आपने नाम सुना होगा बटुकेश्वर भैरव जी का उससे एसोसिएटेड है ये देन पल्लवी देन थारी झाम फिर से बता रहा हूँ रटने मत बैठ जाना इनको नहीं तो फिर रटते ही रहोगे और फिर बोलोगे सर इतना पढ़ा डाले थे हम बस दिखा रहे तुम्हें ताकि अगर आ जाए तो तुम रिकाग्नाइज़ कर पाओ वहाँ पे लेकिन एक्सपोनेंट रटने हैं और उसके लिए मैंने ट्रिक भी बता दी बस एक ही दो क्लासिकल डांस में नहीं बताई है अगर नाम में मोहापात्रा मोहन्ती दिख जाए तो ओडिसी से रिलेटेड ही होंगे जैसे कि एग्जाम्पल केलूचरण महापात्रा इनका नाम तो कभी भूलना मत ज़िंदगी में ठीक है चाहे तुम्हें जॉब भी लग जाए ना सर की तो भी नाम मत भूलना इनका केलूचरण महापात्रा जी का बहुत इंपॉर्टेंट है एस एस सी सीजल तो दो हज़ार ये तेईस का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ऑलमोस्ट हर शिफ्ट ने पूछा था और ये मैंने बताया बोला भी था कि ये हंड्रेड परसेंट पूछा जाएगा और इसको अच्छे से रट लीजिएगा मतलब कोई चांस ही नहीं है कि ये ना पूछे और ऑलमोस्ट हर शिफ्ट ने पूछा था जो लोग जुड़े हैं उन्हें पता होगा ठीक है हाँ जी चलिए तो अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इनको पता है जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज़ पद्म विभूषण वो भी इनको मिल चुका है ठीक है पद्म विभूषण और ये फिर नॉट रॉन्ग इनको 2000 सन 2007 में मिला था जो इंडिया का सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है दो हज़ार सात में सुजाता महापात्रा मोहंती लीला मोहंती और निहारिका मोहंती तो महापात्रा और मोहंती दिख जाएगा नाम में तो आंसर क्या होगा आपका ओडिसी होगा और दूसरी ट्रिक क्या जैसे रेड्डी दिख जाएगा तो कुचिपुडी होगा भूटान के प्रधान माधवी से मिलना मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी भूटान के प्रधान माधवी से मिलने आए मूल ने उड़ीसा है और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी तो भूटान से शगुन भूटानी प्रधान से गंगाधर प्रधान माधवी से माधवी मुद्गल उड़, उड़ीसा से ओडीसी विजय से बिजयनी सतपति संजू से संयुक्ता पानीग्रही और साहू से सुधाकर साहू अब जब तुम अगली अभी तो तुम्हें एकदम से रट रट नहीं जाएगा मुझे भी पता है ठीक है लेकिन जब तुम इसको याद करके इससे रिकाग्नाइज जैसे भूटान से शगुन भूटानी प्रधान से गंगाधर प्रधान माधवी से माधवी से क्या थी हमारी माधवी मुदगल उड़ीसा से ओडीसी विजय से बिजयनी सतपति ठीक है तो संजू से संयुक्ता पानी पानीग्रही सुधाकर साहू तो ये सारे यहाँ से आपको इस तरह से याद करने हैं हमारे क्लासिकल डांस होते हैं ख़त्म बस एक चीज़ और ऐड करना वो मणिपुरी वाला जो था ना मोहनिया टम दिखा दें क्या इम्पोर्ट करके फाइल को मणिपुरी ये आपका थोड़ा सा इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस है यहाँ पे जो हमारा डांसर होता है वो नजरें नहीं मिलाता है ऑडियंस से तो इंट्रोवर्ट फॉर्म ऑफ डांस है ये ठीक है अब बताओ जल्दी से तो दिखा दें उसको इम्पोर्ट करके दिखाई देते हैं रुकना ज़रा स्क्रीन अभी ब्लैक हो जाएगी मैं फिर से बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना है और बाकी चीज़ें मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ठीक है या तो यार छोड़ो यार देख लेना तुम लोग ठीक है टाइम लग जाएगा फालतू तो में टाइम <laughs> वैसे भी हो गया ठीक है फाइल तो पड़ी हुई थी लेकिन चलो कोई नहीं करो जल्दी से क्वेश्चन द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ वो खुद से देख लेना मोहनी तो उसमें स्मूदनेस दिखेगी जर्क्स नहीं देखने को मिलेंगे बीच बीच में हाँ अंधेला मौज ले रहा ना अंधेला आ. अंधेला ही बोलेंगे ठीक है अंधेला ही होता है अभी आवाज़ आ रही होगी अभी क्वेश्चन करो द रीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस कहाँ से मिलता है यजुर्वेद अथरवेद और नाट्यशास्त्र तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा नाट्यशास्त्र है ना जिसको फिफ्थ वेद के नाम से जानते हैं जिसको किसने कंपोज किया था तो जल्दी से बताइए द टेक्निक ऑफ क्लासिकल डांसिंग वॉज कोडिफाइड बाई डैश इन अबाउट दी फिफ्थ सेंचुरी बी तो किसने कोडिफाई uh, करी थी तो भरत मुनि जी ने कोडिफाई करी थी नाट्यशास्त्र में लिखी थी ठीक है शुद्रक ने कौन सी किताब लिखी थी बताइए हिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी जिसको सत्रह पार्ट में डिवाइड किया गया है ये आ, आई बी एस में क्वेश्चन पूछा गया था और कालहान ने क्या लिखी थी राज तरंगनी लिखी थी जो कश्मीर पर बेस्ड थी ठीक है और उन्होंने लिखी थी मृक्ष कटिका है ना मृक्ष कटिका लिखी थी शुद्रक ने चलिए अगला सवाल है तीसरा नंबर द डैश वर्ड ऑफ इंडियन डांस इज डिरा फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड एंड लिटरली मीनिंग मीन्स टेकिंग वर्ड्स दो सौ रुपये भेजे हैंडसम डेविल क्या बोलती पब्लिक आज बसंती के साथ सर को भी नचवा दूँ क्या हैंडसम डेविल अभी यही चप्पल फेंक के मारेंगे तुमको तो पूरा हैंडसमनेस वहीं निकल जाएगी तुमको क्या लगता है दो सौ रुपये भेज के तुमको नचवा लोगे हम मजाक कर रहे तो तुम सीरियस में ले लिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा और पैसे वैसे भेजने की जरूरत नहीं किसी को टेकिंग टेकिंग टूवर्ड्स आगे ले जाना नृत्य लास्ट से तांडव फिर अभिनय इसको बोलते हैं नृत्य ठीक है आगे ले जाना लास्ट फेम फेमेनाइन उसको एस्पेक्ट को दिखाता है तांडव मैस्कुलिन एस्पेक्ट को और अभिनय तो वो आपके एक्सप्रेशन को दिखाता है ठीक है चलो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तो मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही क्लासिकल म्यूजिक हमारा क्लासिकल डांस है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड है बाकी और कोई नहीं मार हाँ ah. चलो सर की प्लीज़ कीप दिस वीडियो एज़ पब्लिक श्री राम जी बोल रहे हैं पब्लिक रखा जाए क्या पब्लिक की डिमांड पर चप्पल फेंक के आ रहे तो सही आंसर क्या होगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे कत्थक है है ना सतरिया तो आपका ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न का वो म्यूज़िक होगा तो सतरिया असम का है कत्थक यूपी का है मोहिनी अट्टम और कत्थक कली ये कहाँ के हैं आपके केरल के हैं मोहिनी से मोहिनी याद करना है वैष्णवाइट है आपका है ना और ये एयर को एयर कॉम्पोनेंट का दिखाता है कथक कली जिसमें कि हमारे फेस में बहुत सारे रंग लगाए होते हैं रंग बहुत फेशियल एक्सप्रेशन उसमें दिखाए जाते हैं जिसमें कि एक मॉर्निंग आ रही है और गुड की जीत हो रही है एविल के ऊपर उसको चीज को दिखाया जा रहा है कथक कली में और ये हमारा किस एलिमेंट को, को दिखा रहा है स्काई एलिमेंट को दिखा रहा है फिफ्थ क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ द इंडियन डांस इज सेट टू बी अ सॉफ्ट एंड सूटेबल फॉर फीमेल प्रेजेंटेशन नृत्य तांडव लास्ट या फिर नृत्य तो देख रहे हो नृत्य नृत्य बार बार आ रहा है ना मैंने अंतर बताया ना तो मैं नृत्य में प्योर डांस है ये विदाउट एनी फेशियल फेशन बस छोटी सी स्माइल होगी इसमें एक्सप्रेशन भी होंगे लास्ट से होगा आपका है ना Fem, जो फीमेल मेल तांडव द वर्ड कथक इज डिरा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स तो कहाँ से डिराइव कथक स्टोरी नैरेटर डांस स्टेप्स या फिर बेल्स तो आपका ये स्टोरी से एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ विच ऑफ द फॉलोइंग अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट वॉज प्राइमारली एसोसिएटेड विद कथक निम्नलिखित में, में से कौन सी तात्कालिक रियासत मुख्य रूप से कथक से जुड़ी हुई थी बताइए जल्दी से देख रहे हो हैंडसम डेविल को कितने लाइक्स मिल गए <laughs> काफ़ी लाइक्स मिल गए हैं डेढ़ सौ लाइक्स हाँ चलो तो अगर बात करें तो कथक कौन नवाब ऑफ अवध थे हमारे वाजिद अली शाह जो हमारे जब वो हाँ जब जो घराना था उसके फाउंडर थे कौन से घरने के फाउंडर थे जरा बताइए वाजिद अली शाह जी और कुछ नहीं सतरिया डांस फॉर्म इज़ फेमस इन विच स्टेट तो सतरिया हमने देखा जो सत्तर थे हुआ करते थे जो मठ हुआ करते थे वहाँ पर परफॉर्म किया जाता था असम याद आना चाहिए तो मैं गुरु शंकर देव जी के बारे में भावना अंकिया नाट याद आना चाहिए झुमरा ठीक है झुमरा के अलावा आपका जो डांगी झुमरा के अलावा नाडू भांगी है और छाली है वो सारे याद आने चाहिए आपको है ना क्लियर आगे बढ़ते हैं और बोर गीत यहाँ पर म्यूजिक है जिसमें परफॉर्म किया जाता है वे वॉट इज़ वन एक्ट प्ले ऑफ सतरिया कॉल्ड एकम नाट विशेषम नाट अनंत नाट या नाट अभी मैंने आपको बताया है जो विदाउट थिएट्रिकल डांस होता है भावना अंकिया नाट और नृत्य अंकिया अंकिया नाट ठीक है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा सतरिया वॉज रिकोगग्नाइज इन डैश एज अ क्लासिकल डांस बाई संगीत नाटक अकेडमी तो क्लासिकल डांस तो सन 2000 में इसको दर्जा मिला था देख रहे हो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आपसे स्टनो में पूछा गया क्वेश्चन है इंडियन टेक्निक सच एज रस एंड भाव इन क्लासिकल हैव देयर ओरिजिन इन भरत मुनीस नाट्यशास्त्र स्टेटमेंट आपका टू है आ, क्या है भरतनाट्यम्स इट्स ओरिजिन इन उड़ीसा बताइए क्या सही आंसर होगा शिवानी अर्पिता अमीशा विकास कपिल जेके रॉलिंग अवधेश सबका सही तो अगर हम बात करें सही आंसर क्या होगा इंडियन टेक्निक रस और भाव इन क्लासिकल डांस हैव देयर ओरिजन्स इन भरत मुनीस नाट्यशास्त्र भरतनाट्यम तमिलनाडु का ना कि उड़ीसा का तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू वेन वॉज भरतनाट्यम बैंड बाई द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर्स ने कब बैन लगाया था और किसने इसको रिवाइव किया था तो अगर हम बात करें नाइनटीन हंड्रेड एंड टेन में बैन लगाया था और हमारे जो अय्यर जी थे उन्होंने इसको आ, इव, मतलब फिर से रिवाइव किया था मेनन जी ने कथक कली और मोहिनीअट्टम जो दोनों केरल के हैं उनको रिवाइव किया था विच आर द फॉलोइंग डांस इज बेस्ड ऑन रासलीला थीम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा तो रासलीला रासलीला थांगटा और वो कौन सा था रासलीला थांगटा और संकीर्तन किस में था मणिपुरी में था ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा अगेन रिवाइज करते हैं मोहिनीअट्टम वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है और इसके एक्सपोनेंट किस तरह से हम लोगों ने याद किए थे एक्सपोनेंट के नाम बताइए जल्दी से मोहिनी मोहिनीअट्टम किस तरह से याद किए थे कि मोहिनी गोपी के कान में गोपी के कान में जाके सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा जय राधा कृष्ण की अम्मा तो अम्मा से कल्याणकुटी अम्मा नाम मत भूलना अम्मा जी का कल्याण कुटी अम्मा बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट नाम है गोपी से गोपिका वर्मा कान से कनक रेले सुना से सुनंदा ना यार जैसे जयप्रभा मनन और राधा से आप बताएंगे जल्दी से और कथक में तो जितने भी हमारे महाराज हैं है ना अरे महाराज की पूजा करो है ना आ, पूजा करो और लखपति बनोगे इस तरह से हमारी ट्रिक थी तो कथक में जितने भी हमारे महाराज नाम दिख जाए बिरजू महाराज लच्छू महाराज अच्छन महाराज सारे कथक से होंगे बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला नाइनटीन में और सतरिया से हमारे भूपेन हजारिका गुरु घना घंटा गुरु घना घंटा बोरा हमारे सतरिया से ही एसोसिएटेड हैं और मणिपुरी से हमारी जो झावेरी सिस्टर्स हैं बिम्बावती देवी हैं गुरु बिपिन सिंह हैं वो सब किससे एसोसिएटेड हैं काबुनी कब, जो राय है हमारी वो सब एसोसिएटेड हैं मणिपुरी से ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ट्रेसिज़ इट्स ओरिजन टू द एशियंट सादिरट्टम याद आ रहा है आपको शादीर अट्टम तो शादीरट्टम मतलब कि ऑफ़र कर रही हैं शादीर का मतलब ऑफ़र कर रही हैं तो ऑफ़र किस में होता है अला रिप्पू जो सबसे पहला होता है आपका तो ये होता है आपका भरतनाट्यम में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा भरतनाट्यम इज़ ट्रेडिशनली परफॉर्मड टू विच टाइप ऑफ़ म्यूज़िक तो चाहे भरतनाट्यम हो चाहे कुचिपुडी हो चाहे मोनीअटम हो चाहे कथकली हो साउथ इंडिया के जो होते हैं वो कार्नेटिक म्यूज़िक में होते हैं क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक एम एस शुभूलक्ष्मी भारत नट्यम कब मिला था नाइन्टीन में मिला था और फादर किसको बोलते हैं पुरंदर दास जी को फादर बोलते हैं कर्नाटिक म्यूज़िक का है ना जो तो साउथ इंडिया का म्यूजिक होता है लावणी ये तो फोक डांस है हम देखेंगे महाराष्ट्र का ठीक है विथ विच द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ठुमरी म्यूजिक एसोसिएटेड तो ठुमरी जो है ठुमका ठुमरी ठुमका कहाँ का है ठुमका तो ये तो मैंने चीज़ को नहीं बताया तो इस चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं वैसे तो आप रिलेट भी कर सकते हैं ठुमका वगैरह हम यूपी बिहार में ही लगाते हैं तो यूपी का हमारा एक ही क्लासिकल डांस है या फिर नॉर्थ इंडिया का अगर देखें तो एक ही है एंड दैट इज़ कथक तो कथक ठुमरी ठीक है द मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ मणिपुरी क्लासिकल डांस इज नोन एज बताए थे मैस्कुलिन एस्पेक्ट जहाँ पे वो पुंग जो ड्रम होता है जिसको पुंग बोलते हैं मणिपुरी लैंग्वेज में उसको लेके उछल उछल के जो एस्थेटिक फॉर्म डांस परफॉर्म करेगा तो उछल उछल के कौन डांस परफॉर्म करेगा तो जो मेल होंगे हमारे वही परफॉर्म करेंगे और उसको हम क्या बोले थे चोलोम उसको हम पुंग चोलोम के नाम से भी जानते हैं इसीलिए अच्छा ये माई का कौन होते हैं माई बा होते हैं ये ये परफॉर्मर्स के नाम है मैंने बताया था ना गंधर्व होते हैं तो गंधर्व में जो माइबा जो हमारे मेल परफॉर्मर्स होते हैं उनको माइबा

सेवा कली में तो आपका भरत नाट्यम होगा क्योंकि ये आपका एसोसिएटेड होगा किससे भरतनाट्यम है ही नहीं इसमें तो देवदासी से एसोसिएटेड था या तो आपका तो फिर कथक कली होना चाहिए मंदिर में परिसर में किया गया था तो कथक कली होगा इसका ठीक है कथक कली ही होगा इसका फिर हाँ जी कथक कली होना चाहिए मेरे हिसाब से तो उसमें परफॉर्म भाई ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड दैट इज़ डैश हैज़ टू ट्रेडिशंस वन इज़ द संकीर्तन एंड द अदर इज़ रास तो अभी देखे थे संकीर्तन एसोसिएटेड है हमारा मणिपुरी से मणिपुरी जहाँ से गुरु हमारे बिपिन सिंह हैं हमारी दर्शन झावेरी जा, सिस्टर्स हैं बिम्बावती देवी हैं कबोनी राय हैं ठीक है ठीके? आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद नटवारी डांस तो नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है तो कुचिपुडी कथक ओडिसी या फिर कथक कली तो नटवारी कहाँ का नाम आपको लग रहा है ये नटवारी नटवर नटवर लाल कहाँ नाम देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का कौन सा आपका क्लासिकल डांस है कथक है डैश लिटरली मीन्स द डांस ऑफ एंटेट्रेंस इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इन द इंडियन क्लासिकल रेपइट कैसा कैसा नाम रखते हैं यार ये लोग ठीक है खैर जो भी हो कुछ अट्टम कथक कल या फिर भरतनाट्यम तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डांस ऑफ एंचेंट्रेंस की अगर बात करें तो ये मोहिनी अट्टम होता है ऑप्शन नंबर बी जिसको कि हमारे विष्णु जी ने परफॉर्म किया था एनचेंट्रेंस का मतलब होता है एकदम देख के आप मंत्र मं, मंत्र मंत्र क्या बोलेंगे उसको मंत्र मुग्ध हो जाएंगे तो मंत्र मुग्ध कब किया था तो विष्णु जी ने किया था मोहिनी का रूप रख के असुरों को इन परफॉर्मेंस ऑफ डैश डांस ऑन वन साइड ड्रास डांस आर परफॉर्म बाई वेयर एज ऑन द अपोजिट साइड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट प्ले द चोलोम चोलोम पुंग चोलोम ड्रम एंड करताल करताल जो सिंबल होते हैं उनको करताल बोलते हैं जो भी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो पुंग चुलोम सीधे आपको याद आना चाहिए मणिपुरी चलोम किसको दिखाता है मैस्किल एस्पेक्ट को दिखाता है तीस क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है ट्वेंटी थर्ड आ चुके हैं चाली झुमरा नाडू भांगी अभी तक एक ही दो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं जो हमने पढ़े नहीं हैं उससे हैं क्वेश्चन नहीं सारी चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं ठीक है चाली झुमरा और मैं भी आपको डेटॉल की तरह ही गारंटी दे रहा हूँ कि 99.99% .99 है कि आपके क्वेश्चन यहीं से, से मिल जाएंगे पॉइंट तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है तो नाडू भांगी नाडू भांगी ठीक है झुमरा चाली ये सब क्या है जहाँ पर थिएट्रिकल एस्पेक्ट नहीं होता है सतरिया का और जहाँ पर होता है उसको क्या बोलते हैं भावना या अंकिया नाट ट्वेंटी फोर द ट्रेडिशनल सिंगिंग ऑफ नट इज एसोसिएटेड विद डैश डांस तो जो है नट सर इसको रख दीजिएगा ठीक है चलो भाई रख देंगे इसको आप लोग इतना बोल रहे हैं तो रख देंगे ठीक है ये आपका नहीं प्राइवेट होगा तो टेंशन मत लीजिएगा ठीक है चलो हाँ जी आराम से देखिए तो नट की अगर हम बात करें तो किस में ट्रेडिशनल सिंगिंग ऑफ नट ये आपका होता है म, कथक में नहीं होगा ये मणिपुरी में होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी तो ये भी हमारा एक नया ही बोल सकते हो इसमें नट की सिंगिंग होती है जैसे बोर गीत गाए जाते हैं सतरिया में कथक में कथा इसमें तो कोई सिंगिंग नहीं होती कथा सुनाई जाती है उसी तरह छऊ हमारा एक क्लासिकल डांस नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग क्लासिकल है लेकिन वैसे नहीं है हाँ जी तो अभी आ जाते हैं इस पर तेवी टीचीअट्टम नंगई नागट्टम दासी अट्टम और फेम और फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस तो दासी से आपको रुको रुको रुक रुको तेवी टीचियाट्टम दासी दासीट्टम किसके हैं आपके ये ओडीसी कथकली सतरिया या फिर मोहिनी अट्टम तो भाई एक बात तो क्लियर स्पष्ट है कि ओडीसी और आपके सतरिया के तो हो नहीं सकते हैं बिकॉज़ यहाँ ये साउथ इंडिया के तो नाम है नहीं ओडीसी की अगर बात करें ईस्टर्न इंडिया का नाम है सत्तरिया ये आपका नॉर्थ ईस्ट का है तो ये भी नहीं हो सकता या तो कथक होगा या मोहिनीअट्टम होगा वैसे तो हमने दासी अट्टम देखा था कि भरतनाट्यम में आपको देखने को मिलता है दासी अट्टम लेकिन भरतनाट्यम में हमने डिफरेंट स्टाइल देखी थी लेकिन वहाँ पर तेवीटी चीअट्टम ये सब तो था नहीं ठीक है कुचिपुडी में भी हमें नहीं देखने को मिला था ये आपका कथक कली का होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है बी जो तेटी चट्टम है आपका नंगई नटकम है और दासी अट्टम यह ये आपका एसोसिएटेड होगा कथक कली से ठीक आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दखवाद सिलेबस आर प्राइमरली यूज टू कंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस पखवाज का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं मणिपुरी कथक ओडीसी या फिर कत्थक खली तो ये मैंने आपको सिम ये पर्टिकुलर जो आपके सिम्बल्स या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डांस इक्विप ये होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया लेकिन मैंने आपको आई थिंक इसमें तो बताया था कथक वाले में और ये मैंने बताया था कि वहाँ पर पखवाज का यूज़ होता है ठीक है पखवाज ऑप्शन नंबर बी तो जो पखवाज होता है ये ढोलक टाइप का शेप का होता है ठीक है इस तरह का होता है अब में ढोलक देखिए इस तरह का जैसे नहीं पुंग होता है पुंग ड्रम तो वैसे ही उसको यहाँ पे पकवाज बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्परिचुअल आइडियाज ऑफ तो भरतनाट्यम किस तरह का डांस था हमारा ये शे फॉर्म का था ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा थर्ड लास्ट क्वेश्चन अला रिपो इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट का डांस ई जील दो जुलाई अला रिप्पू किसका है भरतनाट्यम अला रिप्पू जाटी स्वरम पदम टिल्लाना शब्दम वर्णम ये सब किसके हैं आपके भरतनाट्यम के हैं और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है द रायगढ़ घराना रायगढ़ घराना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ऑप्शन है आपका ओडिशी कथक कली कथक या फिर मणिपुरी तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कथक ठीक है ये भी आपका कथक घराने से ही एसोसिएटेड है रायगढ़ मतलब कथक से एसोसिएटेड आपका रायगढ़ घराना ठीक है रायगढ़ जो घराना है वो कथक से ही एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा

कथक कली भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी तो ये आपका कथक कली का एक डांस सीक्वेंस होता है कलसम तो देख रहे हैं कि मतलब आपका जो डांस सीक्वेंस है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ भरतनाट्यम नहीं बाकी से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जैसे कि यहाँ पर बना आपका कथक कली से ठीक है तो कलसम मैंने आपको बताया था कि लास्ट में सबसे परफॉर्म किया जाता है कथक कली में सबसे पहले क्या परफॉर्म किया जाता है तो आपका केली कट्टू होता है दिन तोडायाम होता है फिर पूरा पड्डू होता है दिन तिरकनुक्कू होता है दिन इलाकी अट्टम होता है दिन आखिर मैंने बताया था कलसम होता है तो कलसम एक डांस सीक्वेंस होता है फिर एक एलिमेंट है किसमें आपका कथक कली में जितने भी हैं आपके ये आपको खुद से करने हैं ठीक है जैसे डैश पोजेज आर डिफिक्टेड ऑन दी गोपुरम तो मैंने आपको तो बता रखा है ये भी गोपुरम भरतनाट्यम ठीक है मणिपुर में क्या दिखाया था मणिपुरी में मणिपुरी क्योंकि वैष्णवाइट फॉर्म का है वैष्णवाइट में डिवोशन ज़्यादा दिखता है हमको ठीक है जितने भी हैं आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं क्वेश्चन तो यार काफ़ी हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी ना काफ़ी पूछता है आपसे तो ये ठीक है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता ही है चलिए तो यहाँ पे हमारा अच्छा लेक्चर होता है ख़त्म बाकी ये लेक्चर आपका पब्लिक रहेगा तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं और बाकी क्विज़ तो आपको ही जाएगी टेलीग्राम और एप्लीकेशन पे ठीक है नाच गाना ना शुरू किया जाए हाँ क्यों नहीं अभी करवाते हैं पी डी एफ भाई ये मतलब जिन लोगों का नहीं पता है मतलब रो, जो रोज़ रोज़ रोज बताना पड़ता है ये आपके पेड बैच की वीडियोज़ हैं जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी ठीक है और कल ना नाइन एम पर जुड़ना मत भूलिएगा पॉलिटी पूरा कल ख़त्म करने वाले हैं पूरा पॉलिटी कल नाइन एम पे एंड एक चीज़ और एंड दैट इज़ हम वो बैच के रिगार्डिंग में बोला था ये बैच की वीडियोज़ हैं एंड किसी के गाँव से भाई इन डी ए में फर्स्ट रैंक आई है किसी की अच्छा और हाँ भाई मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गया जो हमारे सी के टॉपर्स रहे हैं ठीक है आ, मतलब अपनी परमार एस एस फैमिली से अभी तक आई थिंक दो या तीन टॉप टेन में टॉपर्स सिंगल डिजिट रैंक से निकली है अभी और भी काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे यार ये तुम्हारी क्लिप रेप लगाने के चक्कर में देखे नहीं पाया कुछ एक और वो नंबर नोट कर लो जो आ, वो वाला नंबर है मतलब जहाँ पे आप क्वेरी ले सकते हैं तो वो दूसरा नंबर में ये है आपका नाइन नाइन एट थ्री एट जीरो व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बाकी तुम ये बैच की वीडियोज़ हैं एस एस जी के बैच टू पॉइंट ओ है आपका एप्लीकेशन के अंदर है उसमें आपको सारे ये लेक्चर्स के रिकॉर्डेड फॉर्मेट और सारे जो हैटेड नोट्स हैं ये सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है थैंक यू टू ऑल मिलते हैं आ, कल कल आपका ये वाला क्लास नहीं होगा बैच वाला बैच वाली क्लासेज मंडे से फिर से रिज्यूम होंगी एंड स्टैटिक जी का हम फोक डांस टॉपिक देखेंगे वहाँ पर कल हम लोग सिर्फ करने वाले हैं कल संडे तो पूरा पॉलिटी ख़त्म करने वाले हैं सीपीओ के लिए पी वाई क्यू लेक्चर पचास इंग्लिश में एक्चुअली वही थोड़ा सा जो नोट्स बनाते हैं आपको पहले ही बताया था उनके फादर के साथ थोड़ा सा दिक्कतें हैं वो काफ़ी अभी सीरियस सिचुएशन में तो इसलिए अभी वो नोट्स नहीं वो हो पाए थे ठीक है हे, हे, हे अपडेट हो वही आपकी पी पी टी देखिए मतलब समझा नहीं मैं पच्चीस मिनट क्या जी तो क्या पच्चीस क्या पच्चीस का मोहन होगा क्या देखो देख लेते हैं हाँ जी डी होगा इसका ठीक है इसको लिंक भी तो कर सकते थे और हम लोग दासी अट्टम और मोहिनी अट्टम से ऑप्शन नंबर डी होगा इसका ठीक है आई के लिए एप्लीकेशन जो लोग मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एक तो वेबसाइट में आप जा सकते हैं डब्ल्यू या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर अगर इसमें ना मिले तो इस पर आप बोल दीजिएगा कि हमें आईफोन के लिंक दे दीजिए पहले तो आप इस वेबसाइट पे जाइएगा आप एक अपना एक अकाउंट बनवा लीजिएगा अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो उस पर्टिकुलर जो आपको लिंक मिलेगी उसमें फिर लॉगिन करिएगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा तो तीन चार पाँच छः दो तीन चार इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आईडी होगी आपकी तो उसको डाल के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डालिएगा और लॉगिन हो जाएगा ठीक तो है पारुल शेखावत कुछ हाँ एलिमेंट्स कॉमन तो हैं लेकिन वो डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट आपको पता चल जाएंगे अगर वो सिर्फ अला रिप्पू आपका पदम टिल्लाना ठीक है ये स्वरम के बारे में ही सिर्फ पूछ रहा है तो ऑब्वियस ये बात है वो भरतनाट्यम ही फिर उसका आंसर होगा मंडे को केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी सूरज अभी हम पहले स्टैटिक को कंप्लीट कर लेंगे देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे और कल आप लोगों का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अगला वाला होगा जो संडे को ऑल इंडिया मॉक होता है और जो भी ऑल इंडिया मॉक होता है तो प्लीज उसके सोल्यूशन जरूर देखा करिए सोल्यूशन में बहुत टाइम लगाना पड़ता है बहुत टाइम लगता है सोलूशंस में तब जाके वैसे सोल्यूशनस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आप सोल्यूशंस टेस्ट में देखते हैं जो संडे को हर संडे को परमार अकेडमी एप्लीकेशन में फ्री होता और भाई रिव्यू वगैरह भी दे दिया करो तुम लोग यार एप्लीकेशन पर कुछ लोग होते हैं एक स्टार देते हैं और बोलते हैं गुड वेरी गुड एक्सीलेंट एक स्टार देते हैं एक्सीलेंट वो तो भाई ठीक है जैसा भी हो रिव्यू दे दो लेकिन दो तो हैं तुम लोग देते ही नहीं हो कुछ हाँ प्राइवेट नहीं करेंगे इस वीडियो को ठीक है मनीषा जी पब्लिक रहेगा ये हमेशा अनंत समय के लिए ठीक क्लियर यही वीडियो सिर्फ आपका स्टैटिक जीके का होगा जो पब्लिक रहेगा ठीक है इंपॉर्टेंट इसलिए इसको मैं नहीं करूँगा प्राइवेट धन्यवाद अब मिलते हैं कल सुबह नौ बजे वाई डोंट यू क्रिएट वीडियोज़ इन इंग्लिश सर आई एम ई गर्ली वेटिंग टू लर्न फ्रॉम यू आई डोंट नो इंग्लिश आप आई थिंक साउथ इंडिया से हो गए इतना तो मैं इंग्लिश प्योर इंग्लिश तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा ठीक है काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं हिंदी में ही पढ़ाते हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत रहती है लेकिन मैं इंग्लिश में बोल तो नहीं पाऊँगा पूरी तरह से आप मांगे ही नहीं क्या नहीं मांगे हैं अच्छा रिव्यू नहीं मांगे हैं चलो अभी दे देना जाके परमार एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और फिर रिव्यू दे देना ठीक है गली गली में शोर है परमार सर बेस्ट है अच्छा ये मज़ा नहीं है कैसी तुम बना हुआ है अच्छा 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 हाँ वैसे मत बनाते तो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है बढ़िया है, बढ़िया है। <laughs> आ... क्या प्राइवेट है क्या चीज़ अब बातें बाते ज़्यादा कर नहीं पाएंगे धन्यवाद ठीक है मिलते हैं कल सुबह नौ बजे बाकी मंडे को स्टैटिक जीके का फोक डांस होगा हमारा टॉपिक सर क्यों करते हो आप प्राइवेट वीडियो क्योंकि ये बैच की वीडियोस हैं जिसको मैं फ्री लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे सो so दैट जिसको अभी टॉपिक छूटा हो तो वो कर सकता है यहाँ से ठीक है और अगर बहुत ही ज़रूरत है देन उसको बैच लेने की ज़रूरत पड़े ऐसे एक टॉपिक के लिए कोई बैच ना ले बस ये इनिशिएटिव के थ्रू मैं लाइव करता हूँ इनको इसलिए वो प्राइवेट होते हैं बैच की वीडियोज़ हैं क्योंकि फिर जिन्होंने पैसा पे किया तो फिर वो बोलेंगे हमने क्यों किया है कि नहीं थैंक यू